मदरी चैनल के नाजरन मदरी चैनल का एक बड़ा ही प्यारा सिलसिला जिसका नाम है आखरत का ख़ज़ाना वो कौन सा ख़ज़ाना है जो आख़रत में हासिल किया जा सकता है इनशाला इस मौजू पर बहुत कुछ आपसे बात करनी है बिलखसूस आज दावत इस्लामी के ज़िम्मेदार इस्लामी भाई इस्लामी बहनें और बेलवा तमामी नाजरन से कुछ बहुत ही ख़ास बातें करनी है और आज इन बातों को करने के लिए हमारे साथ इन शावत इस्लामी की मरकज़ी मजिशुरा के निगरान हाजी मोहम्मद इब्राम अ तारी भी हमारे साथ होंगे कि बबिला हाजी अमीन तारी जो पूरे कराची रीजन के हेड हैं निगरान हैं वो होंगे बहुत ही प्यारी गुफ्तु करने वाले हमारे सलमान मदनी भाई भी हमारे साथ हैं तो इन सब आपके साथ कुछ डिस्कस कर रहे हैं बहुत कुछ दिखाना भी है आपको तो बिलखसूस जो दावत इस्लामी के जिम्मेदारानल्क और बैरू मुल्क में हैं मैं तो चाहूँगा कि आज अपने साथ डायरी और पेन लेकर भी रखिएगा ताकि बहुत सारी बातें आज ऐसी होंगी जो आप अगर नोट कर लेंगे तो आगे आपके भी बहुत काम आएंगी लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगु का आगाज़ करें दिखाना आपको जो चाहते हैं वो दिखाएँ मुख्तसर तिलावत कुरान और नाशरीफ़ होगी और फिर इंशाल्लाह सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे सलूल الله الرحمن सल يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم سبحان الله سبحان الله صلوا على الحبيب صلى صل الله, صل الله تعالى على محمد صلى صل صل الله, صل الله, الله تعالى عليه وسلم फरमाते हैं खलीफा याला हजरत सूफी जमील रजवी वो हुसन है ऐसे दे अबरार तुम्हारा वो हुसन कुल के हाँ माली के कुल के महबूब हो तुम खाली के कुल माली के कुल के हाँ माली के कुल के क्यों खलक पे कब जाना हो सर कार तुम्हारा

मुख्तार तुम्हारा और रखल कब अहमद मुख्तार तुम्हारा अल्लाह भी है तारीब दीदार तुम्हारा बुलबुल बुल है जमील रजवी ए गुल बहद I couldn't माशा सल हबीब सल महमदा वे इस्लामी भाइयों दावत इस्लामी जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं देखते रहते हैं मगर दावत इस्लामी का एक प्रॉपर डिटेल्ड हम में से शायद बहुत सो को नहीं होता और उस वजह से बाजा अकात हम दावत इस्लामी के बारे में सही तरीके से न जान पाते हैं ना कोई डिसीशन ले पाते हैं तो आज के सिलसिले में हम सब की प्यारी तहरीक दावत इस्लामी किस तरह दीन मतीन की पूरी दुनिया में खिदमत कर रही है उसका कुछ डिटेल तारफ़ बताना भी है दिखाना भी है और फिर दावत इस्लामी के इस अजीब काम में हमें क्या हिस्सा मिलाना है हमें कैसे सपोर्ट करना है और अगर हम इसके साथ शामिल हो जाते हैं तो हमारे लिए क्या कुछ सवाब का जख़ीरा और आखिरत का खजाना इकट्ठा हो सकता है इस बारे में इंशाल्लाह हम कुछ मदरी फूल हासिल करेंगे शुरू करते हैं दावत इस्लामी के अवाइल से दावत इस्लामी की स्टार्ट से नाइनटीन एटी वन है और किबला शेख तरीकत अमीर सुन्नत यूँ समझिए कि तने तनहा हैं, चंद चंद्रफ़ा हैं और एक अमीर अल सुन्नत का जो बैकग्राउंड है वो भी कई बार हमने बयान किया कि बड़ा गर्बत वाला बैकग्राउंड है मगर एक जज्बा है एक यूँ समझिए कि एक लगन है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की असलाह की कोशिश करनी है चंद रफका के साथ मिलकर चंद चंदा कराम के मशवरे भी शामिल रहे और फिर दावत इस्लामी का क़याम अमल में आया और जब दावत इस्लामी शुरू होती है तो ये मस्जिद मस्जिद दर्स से शुरू होती है कराची के इलाके खारादर से ये काफ़िला शुरू होता है और उसके बाद ये सिलसिला चलता है और अब कराची के बाहर कुछ इलाकों में दरसो बयान का सिलसिला और हफ्ता वार्तमा का सिलसिला शुरू हुआ हफ्ता वार्तमा अब कराची के साथ साथ दीगर शहरों में होना शुरू हुए ये दावत इस्लामी के अवाइल के काम हैं शुरू के काम हैं जब दर्स और हफ्त वारज्तम मदरसतुलमदीना बालगान ये सब काम जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे उसके बाद मेरे बीच इस्लामी भाइयों फिर मदनी काफ़ले शुरू किए गए ताकि जो ये पैगाम है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इसलाह की कोशिश करनी है कि दीगर जगहों तक पहुँचाया जाए तो अब जनाब कराची के इलाकों में अतराफ इलाकों में और फिर चलते चलते ये मदरी काफिले गांव ब गांव शहर ब शहर सफ़र करना शुरू हो गए शायद बहुत सारे इस्लाम भाई को नहीं पता होगा पहले चार दिन के मदरी काफले हुआ करते थे और उसके बाद मजीद बशवरों के बाद से तीन दिन का मदरी काफ़िला बारह दिन का मदनी काफ़िला एक माह का मदनी काफ़िला बारह माह के मदनी काफ़ले और इन मदनी काफलों की बरकत से अलहमदिल्ला जब ये मदरी काफले और आगे बढ़े तो गैर मुस्लिम भी मुसलमान होने लगे बेनमाजी नमाजी बनने लगे अल्लाह की रहमत से लोग अपने घरों से निकल कर निकी की दावत देने दुनिया भर में फैलते चले गए उसके बाद मेरे मिठे इस्लामी भाइयों शोबा जात की यूँ समझिए कि बुनियाद रखी गई अबल शोबा जात में एक बहुत ही अहम शोबा जाहिर है कि अगर दीन की तबलीख़ करनी है दीन मतीन को दुनिया भर में पहुँचाना है तो की हाजत होगी तो अलहदिल्ला दावत इस्लामी ने जायतुलमदी की बुनियाद डाली और ये जामियतमदीना क्या है इसमें आलिम कोर्स करवाया जाता है दरस नज़ामी करवाया जाता है और माशाला ये बढ़ते 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 एक जामियतुलमदी से ये मदनी काफ़िला बढ़ा था और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दुनिया भर के आपको जामियतमदीना दिखाए जा रहे हैं यानी दुनिया का माशाला हम अगर जिसको कहें मुबालक के साथ कहें तो कौन सा कोना है जहाँ अब जामतुलमदी की ब्रांच नहीं है इसकी शमा रोशन नहीं है अलहमदिल्ला कराची से पहला जामियातमदीना बना था और उसके बाद आज माशा 891 हंड्रेड एंड नाइन्टी वन जामियातलमदीना है पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में जामियातमदीना मौजूद है और अगर आगे चलें तो फिर बंगलादेश में हिंदुस्तान में श्रीलंका में और आगे जाएँ अगर इस तरफ तो अलहदुल्ल यू के में और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इन तरकीब बन रही है यू के में आप देख भी रहे हैं बर्मिंगम में ब्रैडफर्ड में बारह से ज़्यादा जामियतम अलहमदिल्ला सिर्फ़ यू के में मौजूद है जहाँ इंग्लिश मीडियम दरसे निजामी करवाया जा रहा है अफ्रीका चलें तो अफ्रीका के शहर कीनिया के शहर मम्बासा में सुहली ज़बान में और अरबिक ज़बान में दरस नजामी करवाया जाता है जहाँ अफ अफ्रीकन इस्लामेज पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका में अलहमदिल्ला मुजम्बीग में जामतलमदीना मौजूद है फिर जरा आप इस तरफ चलें तो अल्लाह की रहमत से अमेरिका में जामियातमदीना मौजूद है तो कहने का मकसद ये कि दावत इस्लामी की इब्ता तो कराची के एक छोटे से इलाके से होती है लेकिन ये काम अल्लाह की रहमत से फिर यूँ बढ़ता चला जाता है कि मदनी काफ़िले इजतमात और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं जायातुलमदीना की और अब माशा एट हंड्रेड एंड नाइन्टी वन जामियातलमदीना है तो आप थोड़ा सा समझिएगा अगर आपका किसी दार्लूम या जामत जामिया केमा से या नाजमीन से ताल्लुक रहा हो या कुछ आना जाना रहा

अप्रॉक्सीमेटली कमो बेश सिक्सटी सेवन थाउजेंड स्टूडेंट इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें उसमें पढ़ रहे हैं बगैर किसी फीस के और उसमें हज़ारों वो हैं जिनका खाना पीना रहना हमारे जिम्मे है यकीन पाकिस्तान में भी ये करोड़ों के अखराज होते हैं लेकिन जब बैरून मुल्क में आप ये अकोमोडेशन देते हैं तो ये अखराज मल्टीप्लाई हो जाते हैं वहाँ अखराजा और ज़्यादा हैं जामतलमदीना से माशा कितनी बड़ी तादाद में उलमा इस्लामी भाई इस्लामी बहन फारिग हो चुके हैं और होते चले जा रहे हैं माशा निगरान शुरा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जामतिया से तो सलमान भाई आप पढ़े भी हैं तो आप क्या फरमाएंगे जामियातुल मदीना के बारे में ये कैसी शानदार फैसिलिटी है गरीब इलाकों के भी हमने देखा बच्चे आ जाते हैं वो भी माशाल्लाह उसके बाद दरसन दामी करने के बाद एक बाज़्ज़त जिंदगी भी गुजारते हैं बाज्ज़त रोज़गार भी पाते हैं दुरुस्त फरमाया आपने अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना का दाउत इस्लामी का ये एक इम्तियाज़ है कि मैं आपको गर्ज करूँगी थर हमारा जाना हुआ जी ये एक पाकिस्तान के पसमानदा इलाका सहूलियात के से शुमार किया जाता है लेकिन वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पीने के लिए साफ पानी और बिजली के लिए जनरेटर अगर बिजली नहीं है तो फिर जनरेटर चलेगा और ज़बरदस्त खाना जिस तरह तलबा को मिलता है यह सिरस्कार वहाँ पर भी था और मैंने सारा शुरू से लेकर इब्त से इतिहा तक यहीं मरकजी जाम्बी फैजान मद्दीना में पढ़ा है तो यहाँ पर अलहदुल्ल तलबा कराम को जो नादार नादारब है जो किताबें अपनी नहीं ले सकते उनको बुक्स की फैसिलिटीज़ भी फराह की जाती हैं फिर पढ़ाया भी जाता है फिर इलाज की सहूलत भी यहाँ मौजूद है अच्छा अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए फिर अलग परहेजी खाना भी है ठीक है जी और इसके साथ साथ अगर उसको दूर वगैरह रिक्वायर्ड है या इस तरह का और कोई चीज़ मामला है तो इसकी भी अलहमदिल्ला हमारे साथ एक राम लाजमी तरकीब बनाते हैं तो जामतालमदीना से पढ़े हुए मैं बहुत सारे ऐसे अफराद को भी जानता हूँ कि जिनका फैमिली बैक ग्राउंड इतना अच्छा नहीं था लेकिन आज अलहमदिल्ला वो जामतालमदीना की बरक़ से दाउस्मी के इस इदारे की बरकस से ना सिर्फ़ वो बल्कि उनके वालदान बड़ी ही अच्छी बड़ी ही ज़बरदस्त जिंदगी गुजार अल्लाह की के ऐसा माशा दावत इस्लामी की मरकजी मरज शुरा को आप हेड कर रहे हैं अल्लाह आपको और बरकतें दे अब ये पूछना चाहूँगा कि हर साल ही जामतीना में इजाफ़ा हो रहा है हम जब पिछले साल बात कर रहे थे तो शायद ये साढ़े सात सौ सात सौ थे अब ये नौ सौ के करीब पहुँच गए तो क्या इरादा है कहाँ कहाँ जामतना खोलने हैं और क्यों खोलने अलहमद लाबी सैदली मेरी नाक शक्ल ये कहती है कि जब कोई इलाका आबाद होता है तो वहाँ पर एक वो होता है कि यहाँ जहाँ पर पार्क होगा हॉस्पिटल होगी वगैरह वगैरह सबसे पहले एक जामिया मदीना आलिम बनाने का इदारा, ये वहाँ पर सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट बनती है क्योंकि कभी कोई ये नहीं कहता यार हर साल आप हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं हर साल आप क्लिनिक बढ़ा रहे हैं हर साल आप ये बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं तो आलिम का बढ़ना और आलिम बनाने के इदारों का बढ़ना वो भी रसूल की एक सही मायना में तरबियत हो रही हो और इससे इसके रसूल कितना आम होता है तो ये मेरी अपनी अनाक शक्ल के मुताबिक मदनी चैनल के नाजिन को अर्ज करूँगा कि ये आप जहाँ रहते हैं ना जिस इलाके में आप रहते हैं ये उस इलाके की ज़रूरत है माशा हमारे यहाँ मदीना में ढाई सौ तीन सौ चार सौ कम या ज़्यादा इस्लामी भाई तलबा कराम स्टूडेंट ये रिहाइश रखते हैं और जहाँ ये रिहाइश रखते हैं ना वहाँ पर ये इलाकों में जा जाकर नेकी की दावत देते हैं हम पिछले दिनों इलाकों का हमने दौरा किया तो प, बीस बीस पच्चीस पच्चीस गोट और पच्चीस पच्चीस पचास पचास नई नई सोसाइटीज़ ये बन रही थी हमने यही मशवरा किया कि इनमें निकी की दावत आम करने के लिए क्या करना चाहिए तो नतीजा यही निकलेगा कि आप जामत तो मदीना कायम करें यहाँ पर ढाई सौ तीन सौ चार सौ तलबा कराम होंगे इस कराम होंगे पढ़ाने वाले होंगे ये पढ़ाई भी करेंगे और दावत इस्लामी का चूँकि एक अपना निकी की दावत का नेटवर्क है निज़ाम है तो इलाकों में जा जाकर निकी की दावत देंगे यानी ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपकी गलियों में चर्स हीरोइन नशा बेशर्मी, बेहयाई बच्चों का अगवा होना और लोफरबाज़ी छोटे बच्चों के छोटे बच्चों के साथ गंदे काम का होना बच्चियों की इज़्ज़तों का तहफ़ुज ना होना ऐसी सूरत हाल के अंदर जब हमारी गलियों के अंदर ये क्राइम बढ़ जाएं, तो नेकी की दावत देने वाले सिपाहियों का बढ़ जाना ज़रूरी है और ये नेकी की दावत देने वाले मुबलिगिन हैं कि जो इस तरह की माशरती क्राइम को कम करने में अपना किरदार प्ले कर रहे होते हैं और उसकी ज़रूरत कितनी है जिसने एक इलाके में थाना ज़रूरी है अस्पताल ज़रूरी है क्लिनिक ज़रूरी है डॉक्टर ज़रूरी है फायर ब्रिगेड का होना ज़रूरी है क्या आग लग जाए तो कैसे होगा तो यहाँ तो आग लगी हुई है हमारे इलाके महलों के अंदर तो गुनाहों की आग तो मस्जिद दावत इस्लामी की बननी चाहिए लाजमी बननी चाहिए दावत इस्लामी क्यों दावत इस्लामी की जब आपको मस्जिद मिलेगी तो वह हमारा तरबती याफ़्ता इन शो इमाम मिलेगा जिनकी हम बायदा महीनों तक ट्रेनिंग और तरबियत करने की कोशिश करते हैं वो जब इलाके में आते हैं तो मस्जिद के साथ साथ वो तो महल में दौरा करके महल में क्या कहते हैं नेकी की दावत देकर ये बेनमाजियों को नमाजी बनाते और एक टीम बनती है एक लोग बनते एक माहौल बनता है और वो नौजवान मुझे भी किसी मस्जिद ही से दावत इस्लामी के माहौल में लाया गया ठीक है अमीर सुन्नत खुद अपना जब माजी बयान करते हैं तो आप फरमाते हैं कि बादामी मस्जिद मेरे इलाके में थी जहाँ से मैंने समझाए इस तमाम तर चीज़ों को तो मस्जिद का एक इलाके में होना और इस तरह जो मैं अर्ज कर रहा हूँ एक दावत इस्लामी आशिका रसूल की जब मस्जिद बनती है तो उसका एक तो मस्जिद हो अबलरबी तो बह ने तो एक सवाल किया मैं आपके चूँकि मेले की रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की बात प्यारी बात एक सोसाइटी की रिक्वायरमेंट भाई एक सोसाइटी डेवलप हो रही होती है भैया क्या क्या होना चाहिए अब मैं को डेवलपर नहीं हूँ मैं को बिल्डर नहीं हूँ मैं को रियल इस्टेट वाला नहीं हूँ मैं <laughs> दावत इस्लामी वाला हूँ मुझसे कोई डेवलपर बिल्डर रियल इस्टेट या रियासत का कोई आदमी पूछेगा कि जनाब ये नई कॉलोनी बन रही है आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए आप कितनी बड़ी दावत इस्लामी है फोर्टी वन ईयर्स से आप लोग करेक्टर बिल्डिंग पर करेक्टर रिफॉर्म पर आप लोग काम कर रहे हैं और दुनिया में आपको कामयाबी मिली हुई है दुनिया आपके काम को सराहती है अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेदुनिया की तभी कामयाबी है लेकिन एक मैं दुनियावी बात कर रहा हूँ तो आप बताइए क्या होना चाहिए तो मैं कहूँगा कि एक दावत इस्लामी के हो आप एक एकड़ दो एकड़ की जगह दे दें जहाँ पर हम अपना जामतुलमदीना बनाएंगे मस्जिद बनाएँगे मदरसतुलमदी बनाएँगे दारुलमदी बनाएंगे इस्लामी बहनों के लिए इस्लामी सेंटर बनाएंगे हम अपना फैज़ान एजुकेशन नेटवर्क सिस्टम को वहाँ पर लाएंगे हम ये सब कुछ बनाएंगे फिर आप देखिए कि आपके सोसाइटी में आपके इलाके के अंदर अमन प्यार मोहब्बत मिलन सारी अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उनकी कफ़न दफन तदफ्फीन बच्चों को कुरान पढ़ाना है उसका इंतज़ाम बड़ों को कुरान पढ़ाना है उसका इंतज़ाम आपको नमाज़ पढ़ानी है नमाज़ पढ़नी है उसका इंतज़ाम आपको तरावी पढ़नी है हाफिज़ का इंतज़ाम आपको मसला पूछना है तो आलिम और मुफ्ती का इंतज़ाम ये सारे इंतज़ाम आपको इवन के दावत इस्लामी तो फ्यूनरल एरिया बना रही है मैत को गुसल देने के लिए सारा इंतजाम कर रही है बना हुआ, फैदान सेंटर। आप एक दावत इस्लामी आपकी सोसाइटी की आपकी कॉलोनी की आपके महले की आपके इलाके की उन रिक्वायरमेंट को पूरी करती है जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जरूरत है इंतिकाल के, इंतिकाल के वक्त तक पहुंचा देगी और इंशाल्लाह आपके आपके जनाजा सही तौर पर पढ़ाकर

और फिर हमारे मोहल्ले के लिए कितनी बड़ी जो समझिए नमत भी है तो बहुत खूबसूरत अंदाज में बातें हो रही हैं मैं दोबारा दावत इस्लामी के केिमेदारान चूँकि आज स्पेशली इन्वाटेड हैं तमाम नाजरीन भी हमारे साथ रहे हैं। आप सबको मोहब्बत है दावत इस्लामी से जब भी तो आप आज मदनी चैनल पर हमारे साथ हैं तो आज बहुत कुछ आपने जानना है और देखना है तो मैं दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से इस्लामी भाइयों से इस्लामी बहनों से बिलखसूस अर्ज करूंगा कि जो हम बातें कर रहे हैं अपने साथ आप रजिस्टर या डायरी पेन रखें ये वो पॉइंट्स हैं जो आप इसमें से अपने लिए लिख लेंगे तो आइंदा किसी के सामने दावत इस्लामी बयान करते में आएगा सोसाइटी की जरूरत को अगर हमारे मुबल्लीन समझ लेना और सोसाइटी वाले समझ लें कि दावत इस्लामी हमारे घर की मदनी चैनल है ये घर की जरूरत है माशाल्लाह बच्चे को मदरसा पढ़ाना है इलाके में कारी साहब चाहिए माशाल्लाह नमाज पढ़नी है इलाके में इमाम तो और मस्जिद चाहिए ठीक है सही और इलाकों के अंदर जो बेशर्मी बेहयाँ फैल रही हैं है, बेनमाजियों की तादाद बढ़ रही है तो निकी की दावत देने वाले मुबलिगिन चाहिए मदरी चाहिए मदरी काफिले ठीक है इसी तरह बड़ों को कुरान पढ़ाने के लिए मदरसों तो मदीना बालिकान चाहिए हमारे घर की जब मैंने डी एच ए डिफ़ेंस में मेरा जब जाना हुआ इवन डिफ़ेंस तो बड़ी करीब की बात है हम और अमीर सुन्नत वहाँ गए डरबन ठीक है सपीनगर साउथ अफ्रीका वहाँ पर जिस तरह फीमेल के लिए इदारे बनाने पर हमें अलमाना ने अमिल सुनत को और हमें कहा क्या बनाइए हमारी बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है हकीकत है तो उसकी तरफ हम जब हम गए तो आप ये देखिए दावत इस्लामी में आपको प्लांटेशन करनी है तो दावत इस्लामी चाहिए तो एक इलाके की एक महले की एक सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने रिलीजियस रिक्वायरमेंट को एक सोशल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आई थिंक कि दावत इस्लामी आपके लिए एक कंप्लीट मदनी पैकेज लाती है क्या आप दावत इस्लामी को एक एरिया दे दें और हमें अपना काम करना हमें अपना काम करना है इनशाला फिर रिजल्ट आप हमसे चंदो के बाद हाँ मांग लीजिए रिजल्ट क्या हुआ तो इंशाल्लाह रिजल्ट पर हम डिस्कस करेंगे कोशिश करना का हमारा काम है अच्छा कामयाबी देना अल्लाह का ये रिजल्ट वाली बात भी जो आपने की ना ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट सामने नहीं है लाखों लाख नौजवानों की तकदीरें बदली हैं नमाजी बन रहे हैं दाढ़ियाँ तैयारों तो पर सजा ली मामे सजाए सुन्नतों तो बरा लिबास इस्लामी बहनों का पर्दे में आ जाना हज़ारों उलमा का बन जाना अब चलते दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ निगरानी शरा ने तो माशा चंद जुमलों में दावत इस्लामी का एक पैकेज ही गोया अनाउंस किया और शानदार बात की जैसे दूसरी बात करते हैं कि अब उसी तरह दावत इस्लामी के स्टार्ट से ही एक और शोबा पर फिर बनाया गया मदरसा माशा जिस तरह निगरानी निगरान ने तो चैनल पर एड्रेस किया ना मैंने प्रैक्टिकली इस पर वो जब देखा कि अभी हम कुछ दिनों पहले जब निगरान शुरा के साथ थे तो बिल्डर ठीक है। जो सोसाइटीज सोसाइटी बनाते हैं यानी ये तमाम चीजें ना बिल्डर के सामने उन्होंने यही इसी अंदाज से यानी ये जो आज मैं सुन रहा था ना तो मुझे वो तस्वर में वो आ रहा था कि उसको यही कहा कि स्कूल बनाया पार्क बनाया डिस्पेंसरी बनाई सब कुछ किया ये ये नीड है यानी यानि यही बात उनको भी जब प्रैक्टिकली समझाई सारी बातें कि हम जो अपने आने वालों को इतना फैसिलेट कर रहे हैं

क्या उसे इसका खाना पीना भी ठीक हो बारे? स्कूल खुले तो फला खुल जाए तो हमारे बच्चों के लिए अच्छा चालीस इकतालीस साल इसमें काम किया है अगर दीन के कामों में आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज को चूज करना है तो हम आपको न्यू कमर आकर नहीं कह रहे हमें ट्राई करें देखें हम अच्छा देंगे हम जो कर चुके हैं वो आपको दिखा रहे हैं कलेक्टर बिल्डिंग जी और पर्सनल स्किल्स पर जितनी डिस्कशंस होती हैं जी इन सबको मैं दावत देता हूँ कि दावत इस्लामी को आकर देखें माशाल्लाह के पर्सनल डेवलपमेंट की स्किल्स को और करेक्टर बिल्डिंग को किरदार साजी को जो दावत इस्लामी लेकर आई है और जो प्रैक्टिकल आपको नजर आता है जिसके लाखों लाख वालदे इसके गवाही देंगे सही है तो इन शाह तावत इस्लामी का एक अंदाज़ और इसका एक अपना जो इस मैं इसको कहता हूँ दावत इस्लामी का दुनिया भर के लोगों में कंट्रीब्यूशन किया है हमारा कंट्रीब्यूशन दावत इस्लामी का इतना बड़ा ये एक पर्सनलिटी का सदकाया अमीर एले सुन्नत वाह अल्लाह का इनको अल्लाह इनको सलामत रखे ये 41 इयर्स पहले जो ये कारवां लेकर चले जिसका आपने भी जिक्र किया तो वो जो शुरू से लेकर एक बात चली तो आज अल्हमदिल्ला हम इसको देख रहे हैं और दुनिया भर में इसको देखा जा रहा है माशा अब वो मदरसतुलमदीना मदीना अब ये इतना ह्यूज शोबा है देखिए एक मदरसा बनाना दो मदरसे बनाना वाकई बड़ी बात है मगर आपको जानकर हैरत होगी 4,300 से ज्यादा मदरसे बन चुके हैं जी मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे 4,300 हैं 4,300 से ज्यादा मदीना की ब्रांचेज हैं पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ आप देखते जाएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये माशा मदीना है जिसमें बच्चे आकर हिफ कुरान कर रहे हैं नाजरा पढ़ रहे हैं और माशाला अब इस वक्त अगर हम बात करें तो दो लाख से ज्यादा बच्चे फ्राइट ना भी बच्चे बच्चियाँ जो है विदाउट एनी फीस पाक पढ़ रहे हैं और नाजरा कुरान पढ़ रहे हैं और अब तक इसका रिजल्ट क्या है बात वही हो रही आपकी परफॉर्मेंस क्या है तो अल्लाह की तस्वुर करता हूँ सिर्फ इज्तम कॉल करें कि वैर हाफिज अलाव नहीं है तो कौन सा स्टेडियम कौन सा ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जिसमें बानवे हजार हाफिज कुरान जमा हो जाए इसके अलावा दो लाख तकरीबन दो लाख चौरानवे हज़ार अप्रोक्सीमेटली तीन लाख बच्चों ने नाज़रा कुरान पढ़ लिया है। Allah. अब आप सोचे, चार हजार तीन सौ से ज्यादा सिर्फ मदरसों को मदरस तो मदीना को मैनेज करना इसका सिस्टम चलाना हज़ारों कारी साहिबान तो हजारों का मदनी अमला फिर उसके यूटिलिटी बिल्स कितने होंगे चार हजार तीन सो इमारतें हो गई ना चार हजार तीन सो डिपार्टमेंट हो गए तो इन डिपार्टमेंट या इन इदारों का जो कुछ एक्सपेंडिचर है तो दावत इस्लामी बियर कर रही है लेकिन वजह वही है कि ये सोसाइटी की नीड है आज अगर हम कुरान नहीं पढ़ाएंगे बच्चे हमारे हाफिज नहीं बनेंगे नाजरा नहीं पढ़ेंगे तो ये बात तो तय है ना कि मेरे और आपके मरने के बाद हमारे बच्चे कुरान पढ़कर ही साले सवाब कर सकेंगे ऐसा तो नहीं है कि हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर खोल कर जो आज सारा दिन बच्चे जिसमें लगे हुए रहते हैं उसका सवाब हमें मिले दावत इस्लामी ने सिर्फ तरावी पढ़ाने के लिए हाफिज नहीं दिए समाज के लिए हाफिज भी जरूरी थे ना मैंने हाफिज साहब के पीछे खड़े होकर हमारे दो दो हाफिज उनकी समाज वो सुनने के लिए खड़े हो जाते तो एक एक जगह पर अदावत इस्लामी दो दो तीन तीन हाफिज प्रोवाइड करती है अल्लाह का शुक्र कराची की अगर बात करें तो कुछ अर्सा पहले तो कराची में हाफिज नहीं मिलते थे दूसरे शहरों से बुलाने पड़ते थे मगर आज अल्लाह की रहमत से बानवे हज़ार हाफिज कुरान मुझे अच्छी तरह याद है तीन साल या चार साल पहले कारकरदगी आई थी कि इस साल यानी बिफोर थ्री फोर ईयर्स यानी तीन चार साल पहले पाकिस्तान में जितने लोग तरावी सुना रहे हैं उनमें बाईस तेईस हजार हाफिज़ वो थे जो दावत इस्लामी के मदरसों से फारे हुए हैं अब आप सोचें कि कितनी बड़ी इस सोसाइटी की नीड थी जो दावत इस्लामी ने पूरी की फिर नाजलिन चलते हैं ये दो दावत इस्लामी के माशाल्लाह दो बड़े शोबे हैं जी आपकी बड़ी मैंने देखा रिलेशन रहा है मदीना की मजलिस के साथ से अभी कुछ दिनों पहले मदस मदीना के नाजमीन का मशवरा था तो ऐसे ही तारुफ हो रहा था तो आगे वाले से जब पूछा तो कहा मैं नाक का मदसमदी अब जैसे निसफफ़ पाक का गाना मुझे याद है गया नाइन्टी वन क्योंकि जब नया नया मदरसा हमारा शो मार्केट पे फर्स्ट ब्रांच थी तो सुमार्की, उस शो मार्केट हाँ तो उसमें हमारी वो इसम्बली होती थी शुरू की दुआए मदीना जिसको हम बोलते थे तो हम बाकायदा इलाके से उस दुआए मदीना को देखने जाते थे कि यार देखो यार ये एक नया अंदाज की तिलावत ना दुआ जिसको लोग कहते हैं हमारी ये दुआए मदीना होती है वाह तो मैं जब दूसरी ब्रांच थी तो मुझे याद है कि गुलजार हबीब में हमारे बापू शरीफ रहा ने इन्होंने एक इजलास बुलाया था उसने इजलास बोलते थे तो कहा कि भाई मुबारक दाऊद इस्लामी अपना दूसरा मदरसा शुरू कर रही है और निश्चा पाक अफ्तः होगा और हम कराची में ऐसे 20 मदरसा खोलेंगे 91 91 की बात के अच्छा तो हमने नारे लगाए थे कि 20 मदरसे खोलेंगे आज सिर्फ कराची से 600 प्लस और जैसे चार हजार तीन सौ सिर्फ छह सौ छह प्लस अल्लाह अकबर एक शहर कराची में

एक हमारे वो जो मजलिस से रबा के इस्लाम भाई एक शख्सियत को लाए जो फैक्ट्री ऑनर है दाऊद इस्लामी को चंदा देते हैं सही डोनेशन देते हैं वो पहली बार यानी डोनेशन देते थे ये डोनेशन देते थे हमारे रबता करते थे ये भिजवा देते थे इस्लाम भाई से रबे में भी थे फर्स्ट टाइम इन लाइफ वो फैदान मदीन आए और आकर मुझे कहने लगे कि मुझे नहीं पता था कि मेरा पैसा इसी जगह खर्च हो रहा है परेशान हो गया उनको ऐसा लगा होगा जैसे कि मैं तो कुछ, कुछ दे ही नहीं रहा हूँ कुछ के फेस रेडिंग को दोले दोले भी देख इनको इतनी खुशी हो रही थी कि यार मेरा पैसा इतने ह्यूज काम में खर्च हो रहा है क्योंकि हम जो चंदा ले रहे हैं वो चंदा तमाम मददात के तौर पर इस के। के हो तो अच्छा इस्लामी के जिम्मेदार को भी यह खुशी होनी चाहिए एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ने कितनी बड़ी तहरीक से वापस यहाँ पर अब्दुल अबी सुनत की आपको कोट करता हूँ आप सुनिएगा वाह एक दफा मैंने पार्टी से बात की और उन्होंने एक अच्छा फिगर दिया दावत इस्लामी के लिए चंदा जो सो अमीर सुन्नत की आई थिंक शायद कोशिश इनफरादी कोशिश तरह शामिल थी नहीं थी बट आई डोंट नो मतलब मैं कन्फर्म नहीं हूँ ठीक है मगर कुछ इस तरह का था अमीर सुन्नत एक बड़ा हिस्टोरिकल वर्ड इस यूज़ की जो मुझे जुम्मे अमीर यू इमरान मिमनी में, में देखा था ये पैसा आजी नहीं मुझे जब में था नहीं आवा खुशी कितनी दे रही है बात आप समझ रहे हैं अरे इमरान ये पैसे आपकी मेरी जेब में तो नहीं है ना मतलब ये पैसे हमें किसी ने तोहफे तो नहीं दिया लेकिन हमें खुशी कितनी हो रही है क्या बात कि ये पैसा दीन के काम के लिए आया है और अल्लाह ने ये कितना हम पर कर्म किया है कि देता को दीन के काम के काम लिए और खुशी हमें हो रही होती है वाह 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 क्या बात ये हम जो डोनेशन करते हैं ना चंदा करते हैं अब सोचिए जितना बड़ा आपको मिल सका तो आपको दो पांच करोड़ रुपए दे दे कि यार ये लो आपको तो आपका हाल क्या हो को देते हैं ये रहो है, यार दस करोड़ रुपए पाँच करोड़ रुपए ये पचास करोड़ है ये पचास लाख रुपए यार ये आपकी दावत है, इस्लामी के लिए दीन का काम के लिए इससे इस, इस बढ़कर खुशी होती है अलहद यार अल्लाह ने कितना कर्म किया ना ये भी एक गोल अचीव है ये मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ जो हमारा डोनेशन करते हैं ये बहुत खुशी की बात है नाजरीन यहाँ अब चलते हैं हम एक और बड़ा कमाल का शोबा मौजूद है मौजूद है और इन दोनों शोबों के मिलाकर अरबों रुपए के अखराज मौजूद हैं जी हाँ अगर तो जामियतुल मदीना और मदरस मदीना के तीन अरब से ज्यादा के दोनों के मिला के अखराज अब साढ़े तीन अरब तक साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए इतना बड़ा खर्चा है उसको इन आखिर बर्स करूंगा इतना बड़ा एक एक्सपेंडिचर का बर्डन है मगर फिर ये दावत इस्लामी के बरकज ने रियलाइज़ किया कि ठीक है माशा हाफिज़ बन रहे हैं आलिम बन रहे हैं मगर लोग अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दिलाना चाहते हैं ताकि माशरे में कोई वो और आगे बढ़ सकें जॉब्स क्रिएट हो सकें अपना कारोबार कर सकें और दुनियावी तौर पर तरक्की कर सकें लेकिन एक बड़ा अजब फिनिना है कि जनाब दुनियावी तालीम वाले जब इदारों में भेजते हैं तो वह बच्चा दीन से दूर होता नज़र आ जाता है क्योंकि वहाँ का तो माहौल ही कुछ और है और नाजिंग अगर थोड़ा सा पीछे चले जो तारीख़ को पढ़ने वाले हैं चंद सौ साल पहले ये डिफ्रेंश नहीं था ये बाइफर्केशन नहीं थी ये दूरियाँ नहीं थी एक ही इदारा मदरसा ऐसा होता था जिसमें साइंसदान भी बनते थे डॉक्टर्स भी बनते थेमा भी वही होते थे और माशाला दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ पढ़ाई जाती थी वल्लाम ये क्या प्लानिंग की गई कि जनाब दीन की तालीम अलग वो जनाब गरीब के गरीब रहें उलमा और इमाम साहब बने वहाँ से हाफिज बन जाएँ और अगर दुनियावी तौर पर तरक्की करनी है तो इन इदारों में जाना होगा जो दीन से बाज बाज बाज़ात दूर कर देते हैं मगर ये गैप कैसे कवर होता अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को मरकजी मजलिस से शुरा ने यह बदरी मशवरा करके कुछ ही अर्सा पहले एक शोबा का एक एक और शोबे की बुनियाद डाली और जिसका नाम है दारुल बदीना ये इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम है जिसमें इंग्लिश मीडियम तालीम के साथ साथ दुनियावीमूम के साथ साथ दीनी उलूम भी सिखाए जा रहे हैं बच्चों की जैसे निगरान श्र फरमाते कि जो सेल्फ आ, उसकी जो है वो रिफॉर्मेशन है एक ऐसी तरबियत है कि उसकी दीन की तरबियत भी जारी रहे और वह इंग्लिश मीडियम दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके कई जगहों पर ओ लेवल की हद तक हमारी तालीम आगे है और यह दारदीना भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं के कई मुल्कों में खोल चुके हैं यहां तक यूके की गवर्नमेंट से आप समझ सकते हैं कितनी टारगेट को अचीव करने के बाद यूके में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में अलहमदुल्ला देख रहे हैं आप यूके में दारदीना तो दारदीना की ब्रांचे बनाई जा रही है पाकिस्तान में बांग्लादेश में हिंदुस्तान में श्रीलंका में और आगे चले दुनिया के कई मुल्कों में दारदीना बन चुके या बनने के प्रोसेस में है और हर तरफ से माशा इसकी डिमांड है और देखते ही देखते 103 के करीब ब्रांचेज हो चुकी हैं और 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं ये माशाल्लाह इन स्कूलिंग इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में यह तालीम हासिल कर रहे हैं अब एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये बच्चे जब स्कूल पढ़ते पढ़ते मैट्रिक तक पहुंचेंगे हमारा टारगेट तो और आगे ले जा रहा है ना यानी हम वो दिन देखना चाहते हैं या उम्मत को दिखाना चाहते हैं अल्लाह हमसे काम ले लें कि डॉक्टर हो हाफिज कुरान भी हो आ, इंजीनियर हो वो आलिम दीन भी हो अगर वो दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता पोस्ट पे बैठा हुआ है किसी जगह पर सीईओ है लेकिन वो माशाल्लाह दीन का मुबलिक भी हो खुद भी नमाज पढ़ता हो और जब आप सोचें कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुबलिक होगा मुबलिक इस्लाम होगा तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह माहौल का वो क्रिएट कर रहा होगा टेक्निकल लोग भी हों मगर दीनदार भी हों ये गैप कैसे कवर होता मैट्रिक तक तो ये पहुँच जाएंगे लेकिन मैट्रिक के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी तक तालीम होनी चाहिए और ये सारा ही एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तालीम हो तो अलहमदल्ला कॉलेज के लिए भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि हमारे कई तलबा मैट्रिक के करीब पहुंच चुके हैं और आपने कई बार सुना होगा कि दावत इस्लामी ने हमारे कौमी इसम्बली सेनेट से, से, से कुछ अरसा पहले ही चार्ट ले, ले लिया था दारालमदीना यूनिवर्सिटी का और आज मैं अलहदुल्ला खुशखबरी सुनाई देता हूँ कि अल्लाह की रहमत से इस्लामाबाद में जो हमें 10 एकड़ की जगह लेने की रिक्वायरमेंट थी दावत इस्लामी ने वो भी डील फाइनल कर ली है अब ये करोड़ा करोड़ आप समझ सकते हैं जो प्रॉपर्टी को जानते हैं कि इस्लामाबाद में 10 एकड़ जगह अब वो इट्स नॉट इजी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्टेप लेना ज़रूरी था कि उसको लेकर बनाएंगे तो फिर इनशाला यूनिवर्सिटी का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो आशिकान ने रसूल को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अलहमदिल्ला दावत इस्लामी ने दस एकड़ जगह जो है उसकी डील कर ली है यकीन उसकी अभी पेमेंट करनी है और वो भी करोड़ा करोड़ रुपए के अखराजात हैं तो अखराजा वो चले जा, चले, जा चले जा रहे हैं और कि काम, है, तो है। है। काम भी चले, चले जा रहे हैं और आपको बढ़ते ही चले जाएंगे क्या बात और हमारा बहुत पुराना ये फार्मूला है पैसे देकर काम नहीं करना काम के मुताबिक पैसे लाने आप भी समझ लो सीख लो प्यार भाइयों हमने पैसों की वजह से दीन के काम में रुकावट नहीं आने दी ये आप भी नियत कर लो सुनने देखने वालों इतना हमें क्योंकि पैसे की हजत तो जरूरत तो रहेगी ही इसके बगैर कैसे हो गा? दीन का काम दिनों दी और दिनार के बगैर नहीं होगा ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके हैं ये जो आपने बात की ना बिजनेस कम्युनिटी के जब नॉर्मली बात करता हूँ तो ये जुमला हम कहते हैं कि आपका कारोबार बढ़ता है ना तो आपकी आमदनी बढ़ती है एक दुकान है दूसरी हो जाएगी एक फैक्ट्री है दूसरी हो जाएगी तो आमदनी बढ़ जाएगी हमारी जितना कारोबार बढ़ता है मदनी कारोबार उतने हमारे खर्चे बढ़ते ये डिफरेंस हो गया ना कारोबार बढ़ाते लोग इसलिए कि आमदनी बढ़े हम अपना मदनी कारोबार कह लें हमारे मदनी काम कह लें जितनी ब्रांचेस खुलेंगी मस्जिद बन गई इमाम साहब की तनख्वाह तनख्वाह शुरू 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 हो 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 गई, गई, साहब की गया, तो मस्जिद, मदरसे, बढ़ते तनख शुरचे बढ़ अब चलते नाजर एक और कमाल का डिपार्टमेंट यानी दावत इस्लामी आपको इस मॉडर्न दौर में जहाँ एक कन्वेंशनल तरीके से एक जिसको आप कहें क्या कहते हैं उसको आ, रिवायती रिवायती अंदाज में तो दीन का काम करते नजर आती है मगर एक मॉडर्न वे में जिस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस तेज़ी के साथ दावत इस्लामी आपको काम करती नज़र आएगी शायद इसकी नजीर आपको दुनिया में ना मिले एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जनाब दुनिया में हम जब दौरा करते थे निगाह ने शूरा शुरा, शुरा मुबलिंग तो हमें ये डिमांड आती थी कि आप बात हमेशा आके करते कुरान पढ़ें दीन सीखें और जनाब इल्म दीन के करीब आएँ हमारे करीब तो मदरसे ही नहीं है मीलों दूर मस्जिदें हैं यूरोप की बात करें अफ्रीका की करें अमेरिका कैनेडा दुनिया के कई मालिक में ये प्रॉब्लम था अच्छा फिर कई लोग इतने बिजी होते हैं कि वो जा नहीं पाते जब वो आते हैं तो मस्जिद मदरसों में टाइम नहीं होता तो क्या करें तो चूंकि एक एक जुमला कुछ सालों पहले से सुना हुआ था कि इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है एक छोटा सा गांव बन गया है दुनिया दुनिया जिसको जहां करना है इंटरनेट के जरिए बिल्कुल खत्म हो गई है तो दावत इस्लामी ने माशाल्लाह इस फैसिलिटी का क्या शानदार इस्तेमाल किया और शायद मैं ये कहूं तो हक में जानबूंगा कि यह इन्वेंशन है दावत इस्लामी की इसकी नजीर इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती थी कि इतने बड़े पैमाने पर वर्चुअली इतना बड़ा मदरसे का निजाम बना दिया और इस डिपार्टमेंट का नाम है फैजान ऑनलाइन एकेडमी अब इसके तहत हमने क्या किया इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले तो एक ब्रांच बनाई और एक तजर्बा था कि जरा कुछ कारी साहिबान को बिठा देते हैं और लोगों को कहते हैं भाई आप ऑनलाइन पढ़ लें लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा फ्लो आएगा इतनी डिमांड आएगी कि जरा बच्चों के लिए आपने इंतजाम कर दिया मर्दों के लिए कर दिया हमारी घर की बहनें ख़वातीन ये कैसे पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला दावत इस्लामी में एक बड़ा शानदार सिस्टम है कि मर्द को मर्द पढ़ाते हैं ख़वातीन को इस्लामी बहनों को इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं इनके इज्तम भी अलग इनके मदरसे भी अलग ताकि वो पर्दे कर शानदार तमाम रहे तो ऑनलाइन की फिर ब्रांचेस बनना शुरू हुई इस्लामी भाइयों की अलग इस्लामी बहनों की अलग कुरान पढ़ते पढ़ते जनाब कुरानिया तो पढ़ में, में, में तो जामतुलमदीना नहीं है तो हम, हमारे आलिम कैसे बनेंगे ऑनलाइन ही आलिम बनाना शुरू कर दें सुबह चलते 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 आज के करीबेज बन गई और आपको जानकर खुशी होगी अठारह हजार से ज्यादा स्टूडेंट इस वक्त भी सत्तर से ज्यादा मुल्कों में एक दो नहीं तीस से ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अहमद फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी ऑफर कर रही है और दुनिया भर में आशिकान रसूल से पढ़ रहे हैं बल्कि आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि सिर्फ जिसको आप कहें कि घरेलू नॉर्मल अफराद नहीं हमारे पास इंजीनियर डॉक्टर्स पी एच डी इस्कॉलर्स और बड़े बड़े इदारों में काम करने वाले फोर्स में दुनिया भर से अलहदुल्ला रबता कर रहे हैं कि आप हमें भी ऑनलाइन पढ़ाएं ठीक है हम अपनी जिंदगी में बहुत बिजी हैं मगर ये ऑनलाइन हम दीन मतीन को सीखना चाहते हैं तो ये भी दावत इस्लामी ने कमाल कर दिखाया अठारह हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट और सत्तर से ज़्यादा

हमने टीचर्स तैयार किए ताकि अगर वो बैरून मुल्क के हैं तो उनको इब्तदाई इस्लाम की बातें जो वो जाएं और बेसिक्स इस्लाम उनके मजबूत किए जाए तो डिपार्टमेंट जो सलमान भाई ने बात की ना, तो नादादामी करके जावेदी ने बना दिया लेकिन उसके बाद उसके पास अपॉर्चुनिटीज उसके पास उसके पास क्या हैं सुबह दावत इस्लामी का कमाल देखें वैसे तो दुनिया भर के इंस्टीट्यूट्स चाहे वो स्कूल हों कॉलेज हों यूनिवर्सिटी हों उनका काम पढ़ाना होता है पढ़ाने के बाद जॉब देना उनका काम नहीं है उसके अब आप, आप जाए माशरे में अपनी अपनी सलाहियत पर जॉब तलाश कर लें अपना रोजगार तलाश कर लें मगर दावत इस्लामी की अवलीन कोशिश यह होती है कि हमारे अपने मदरसों से अपने जामयतुलमदीना से जो फारिग हों कोशिश की जाए कि उनको हमारे ही बदनी माहौल में खिदमत का मौका भी फराहम किया जाए तो इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए एक और शानदार शोभा बनाया गया और दुनिया भर को एक सेहतमंद ऑथेंटिकेट इस्लामिक लिटरेचर लिट्रे, लिट्रे, दिया जाए उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया जिसपे दावत इस्लामी के उलमा दिन रात माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं अल इल्मिया ये कमाल का नाजरीन डिपार्टमेंट है कि जिसमें माशाल्लाह वो किताबें जिनके अपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे आम लोग तो उसको उसके अरबी नाम ही ना पढ़ सकें उन अरबी किताबों का भी उर्दू तर्जमा कर लिया गया अच्छा जनाब उसको आसान कर करके उलमा के लिए तलबा के, के लिए ये पूरा एक रिसर्च सेंटर बनाया गया और फिर उस रिसर्च सेंटर के साथ अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने उसमें अलहमदुल्ला फिर उसको ट्रांसलेट करना जरूरी था दुनिया भर में पहुंचाना है तो आपको जानकर खुशी होगी कि 37 से ज़्यादा लैंग्वेज में दावत इस्लामी का लिटरेचर जो है वो ट्रांसलेट हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की इतनी सारी जबानों में ट्रांसलेशन करवाना अभी तमाम चीज़ों पर कितने अखराज होंगे वो अकलमंद लोग सोचते चले जाएँ के साथ चूँकि डिजिटलाइज चीज़ें हो रही हैं जी तो चूँकि दावत इस्लामी सोशल मीडिया आपके शेयर उसमें आएगा जी क्योंकि तो दावत इस्लामी चूँकि सोशल मीडिया के ज़रिए भी दीन की खिदत करने की कोशिश कर रही है तो और उसमें शॉर्ट क्लिप्स का एक अपना बहुत बड़ा किरदार इम्पेक्ट है।, है और जिसको हम मदनी गुलदस्ते कहते हैं एक वीडियो क्लिप्स बनते हैं एक मिनट के दो मिनट के पाँच मिनट के तो ज़्यादा के भी बनते हैं पूरे पूरे, पूरे टॉपिक्स होते हैं तो अब चूँकि पढ़ने का रुझान भी अपनी जगह पर मौजूद लेकिन कम हो गया लोगों को वीडियोस के ज़रिए देखना है तो जिस तरह इस ट्रांसलेशन की बात हो रही है तो वीडियो में इसको डबिंग का नाम टाइटल एंड डबिंग आप उर्दू सुन रहे हैं लेकिन नीचे आपकी इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज के अंदर इसकी ट्रांसलेशन चल रही है या फिर मतलब बोल अमीर सुनना जाना आपको स्क्रीन पर अमीर सुना नजर आ रहे हैं लेकिन जो साउंड आ रहा है आपको वो उस लैंग्वेज का है चाइनीज़ है बंगला है अरबी है दिग् लैंगवेज़ के अंदर तो उन इस्लामी भाइयों को लेना उनकी तरबियत का होना और फिर डबिंग का होना इसके ऊपर पूरे के पूरे एक एक मिनट की ऑडियो के एक्सपेंसेस हैं ठीक ठाक अप्रोच बनाना पड़ता है एक एक मिनट के ऑडियो के एक्सपेंसेस हैं इसके ऊपर पूरा प्रोफेशनलिज्म होता है कि इसमें एक प्रोफेशनलिज्मी भाई ये होता है कि एक साइंस है इसकी मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरा जो बॉडी मेरी जो मतलब जो मुझे मैं दिखता हूँ मेरा साउंड मेरे दिखने के मुताबिक और लोगों को पता है तो अगर अमीले सुन्नत की कोफ सामने रखकर अगर किसको को साउंड लेना है आवाज लेनी है तो उसमें ये जरूर देखना है कि ये साउंड जो है ना वो है। इस पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए अच्छा सिर्फ साउंड मैच नहीं करना है वो उसका उतार चढ़ाव जो है आ, उतार चढ़ाव वहीं बैठना चाहिए पूरी एक साइंस पूरी एक, एक साइंस है इसकी जो मतलब ये यूं समझिए ये जितना अब्दुल भाई कह रहे कई कई आपको ऐसे इदारे लोग मिलेंगे जो इनमें से कोई एक काम कर रहे हैं ऐसा ही है ऐसा ही है कोई एक काम स्कूल तो फिर कोई स्कूल मदरसा तो फिर कोई मदरसा बहुत बात चैनल तो फिर सिर्फ चैनल है जिंदगी गुजारने के लिए काफी है फल मज़ूरों का इदारा तो फिर जिंदगी माजूरों का इदारा आपको सिर्फ दावत इस्लाम आपको वो अल्लाह की रहमत से क्या बात वो वाद तहरीक मिलेगी दुनिया भर के होने वाले कई काम दावत इस्लामी की एक छतरी के नीचे और 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 के के तीन दिन का सिलसिला करना पड़े और उसमें भी हम फिर ब्रेक लेते हैं फिर कैसे नहीं है असल में ये भी जो आपको बताया जाएगा ना एक मिनट हर डिपार्टमेंट का एक जो हेडलाइन बताई जा रही है सुर्खियां होती है ना हेडलाइन बताई जा रही सुर्खियां इसके नीचे फिर वन लाइन एक खबर होती है दो लाइन वो ख़बर होती है तीसरी लाइन की खबर होती है फिर नीचे तफसील होती है स्टाफ रिपोर्ट करके अखबार पढ़ने वाले को पता होगा हम लोग तो ये हेड ही आपको बता रहे हैं और एक दो लाइन नीचे की तो बता रहे हैं Allah. वो भी इसका पर्पज़ अब्दुल हबी बने से शुरू बताया कि मेरी दावत इस्लामी के वाबस्ता इस्लामी भाई इस्लामी बहनों को पता चले कि आपकी दावत इस्लामी क्या कर रही है आपके शोबे क्या हैं जब आपको ये पता चलेगा नंबर वन आप अपनी खदमात उन तमाम तरदीनी कामों के लिए पेश करें नंबर वन नंबर टू आदत भी सब। जब आप किसी से चंदा लेने डोनेशन लेने के लिए जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके दावत इस्लामी क्या काम क्या कर रही है मैं पिछले दिनों एक पर्सनैलिटी से मिलने गया अब बात चल रही दावत इस्लामी की लेकिन उनका कहीं इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था कि मैं इनको दावत इस्लामी की तरफ दावत दो मकसद मेरा चंदा नहीं था दावत दो चलते 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 उनकी जो मुझे हॉबी या उनकी जो एक विलिंग नजर आई वो पौधे लगाने पर प्लान पर तो मेरा डिपार्टमेंट है अल्लाह मेरे को प्लांटेशन पे लेकर गया और वो मतलब काफी कह सकते हैं कि वो इंगेज हुए हमारे साथ कौन सा शोबा है अला की रहमत दावत इस्लामी जिसपे खिदमत नहीं कर रही अगर अब ये कहें देखिये मसाजिद अल्लाह का घर सुबहान अल्ला अब जरा गौर करें कि जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है अदीस में मजमून अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है मस्जिद एक बनाना पूरे इलाके के लिए कितना जरूरी है मगर आपकी दावत इस्लामी एवरेज साल की छ सौ के करीब मस्जिदें बना रही है ये बोलना बड़ा आसान है एक जुमले में के मैं निकल गया मगर एक मस्जिद अगर आपने अपने इलाके में बनाई है या चंद मोहल्ले वालों ने मिलकर बनाई है तो शायद महीनों उसका चंदा चला होगा सालों बाजों का तामीर में लग जाते हैं और जनाब उसमें ठीक ठाक एफर्ट होती हैं मगर साल की 600 मस्जिदों का मतलब ये हुआ कि एवरेज रोज़ की दो मस्जिदें कबो बेश कहीं ना कहीं दुनिया में दावत इस्लामी प्लॉट खरीद रही है या तमीर कर रही है या डील हो रही है अब आप बताएं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है ये कितनी बड़ी खिदमत है लेकिन अगर हम सब मिलकर इसमें हिस्सा डालते हैं तो फिर ये काम और आगे बढ़ सकता है और अब भी कई इलाके ऐसे हैं हो सकता है किसी के जहन में सवाल है इतनी मस्जिदों की हाजत जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उस तेज़ी के साथ मस्जिदें नहीं बनी अब बड़ी बड़ी इमारतें बन गई पूरे मोहल्ले में जितने लोग रहते थे ना एक इमारत में उतने लोग आ जाते हैं तो अब आप सोचें कितनी आबादी बड़ी है हमें तो कई इलाकों से कई शहरों से डिमांड है कि पूरे पूरे शहर में हमारे पास इतने दूर दूर तक भी मस्जिद नहीं है इस पर काम नहीं हुआ अब्दुल हबीब देखिए ये हमारी ये ये हमारी कमजोरी में डिस्कस कर रहा हूँ जब हम बात करते हैं किसी आम दुनियावी टॉपिक के ऊपर तो एक स्टैंडर्ड सामने आया जहाँ पांच सौ लोग होंगे वहाँ एक डॉक्टर जरूरी है क्या ऐसी कोई कैलकुलेशन हम करने में कामयाब हुए कि कितने पर कितने आलिम होने जरूरी है सुबह कितने पर कितने हाफिज होने जरूरी हैं कितनी आबादी में एक मस्जिद का होना ज़रूरी है हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग मुझे दुनिया भर में पता नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद संजीदगी के साथ गौर नहीं किया गया हम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर 2050 की प्लानिंग कर रहे हैं 2050 की प्लानिंग कर रहे हैं कि 2050 में क्या शेय कहाँ होगी दुनिया भर के ताल्लुक़ से इवन पाकिस्तान और हमें 2050 में कहाँ कहाँ हमारी चीज़ें यानी कि मसाजिद मदारिस इन तमाम चीज़ों का होना मम्गिन का होना ज़रूरी है नेकी की दावत का होना ज़रूरी है इमाम का होना ज़रूरी है दारुल मदीना स्कूल का होना ज़रूरी है फैदान एजुकेशन नेटवर्क का होना ज़रूरी है सब है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बायदा एक प्लानिंग डिपार्टमेंट है दावत इस्लामी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो रिसर्च भी कर रहा है डेवलपमेंट में भी काम कर रहा है आर एंड डी डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड uh, uh, ये ये अपने मतलब ये असल है रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट तो ये पूरे एक डिपार्टमेंट है जो काम कर रहे हैं तो मरकजी मदरसे शुरा का ये एक uh, अजम है आपने हमारा साथ देना है मरकजी मदरे शुरा आपके बगैर क्या हम बैठ कर मशवरे कर, कर कुछ चीज़ें तय करते हैं मगर हमें हमें उस तय करते वक्त जो हमारे सामने होता है ना वो आप होते हैं कि जिसे दावत इस्लामी के मेन पावर कहते हैं मैं इसको अमीले सुन्नत की कमाई कहता हूँ मेरे पीर साहब की कमाई है फोटी वन ईयर्स की ये कमाई है प्रोडक्शन है और उस पर हम जितना नाज व फ़खर करें इतना कम है अलहदुल्ल रबीआल जो इस वक्त दुनिया भर में और सुन रहे हैं इस्लाई भाई इस्लाई बहन जो भी हैं मेरे कारी साहब हैं आलिम उलमा हैं हमारे मदनी हैं तलबा कराम हैं हैंकों में जा जाकर जो दीन का काम कर रहे हैं आप सब दावत इस्लामी में अमीर सुन्नत की बेहतरीन कमाई हो जब हम मरकज़ी महत शुरा के किसी मशर में बैठ कर कोई बात तय करते हो और हमें लगता है यार ये मुश्किल है अब यकीन माने मुश्किल नहीं लग रहा होता क्योंकि आप आगे हो अल्लाह की रहमत से आप आगे हो और आपके साथ साथ मैं उनका जिक्र करूंगा जो अपने हाथों में सरमाया लिए बैठे हुए हैं कि दावत इस्लामी कहे क्या काम है हमारा सरमाया हाजिर है हमारे हमारे पैसे दावत इस्लामी वाले ले लें और हमारे और क्या चाहिए तो जिस तहरीक के साथ सरमाया देने वाले लोगों और ऐसी डेडिकेशन हो इस्लामी भाइयों मुबल्गी की कि आप सिर्फ कहें करना क्या है माशा हम कर लेंगे इन शह जबकि वो सारे काम हो शरीत के मुताबिक तो हमारे लिए फैसले इतने मुश्किल नहीं रहते क्योंकि आप आगे हैं आपकी कोशिशें आगे हैं आपका दिन रात का एक करना आगे है आपकी अपनी जवानियाँ जो आपने दावत इस्लामी के लिए डेडिकेट की हुई है वो बिल्कुल दावत इस्लामी के सामने हैं अल्हदल रबीआलिन हम आप हम हमें हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए जो भी हमारे बड़े निगरान या जिम्मेदारान होते हैं उनके आगे, आगे आप लोग हैं अगर कोई दिमाग काम कहीं कर भी रहा हो तो उसके हाथ पैर आँख कान दिमाग काम कर रहा है देखना अगर आँख ही नहीं होगी तो कहाँ से देखेगा वो तो आप अलहमदिल्ला ये सब हैं अल्लाह आपको तो सलामत रखे दावत इस्लामी के साथ माली ताउन करने वालों को अल्लाह सलामत रखे तो मरकज़ी मित शुर का अज़म क्या है ये सुनिए जहाँ भी मुसलमान की आबादी मौजूद है चाहे वो चार घर ही क्यों ना हो दावत इस्लामी वहाँ पर मस्जिद या नमाज की जगह ज़रूर बनाएगी ताकि उनको नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज की जगह मस्जिद मिले और उनको एक इमाम मिल जाए जो इनको पांच टाइम की नमाज़ पढ़ाए इनके बच्चों को क़ुरान पढ़ाए ये हमारा अज़म है आप हमारा साथ दें माशा माशा अब जिस तरह ये सारे काम तो ग्राउंड पर हो रहे हैं लेकिन मीडिया जा रहे रहे चांद पे नहीं, अभी है मौजूद तक तो अच्छा, है तकरीबन जो, जो घरों में मौजूद है, है और अब वहां पर दीन की खिदमत कैसे की तो मिया आपको अपना आपको वो जज्बा शेयर कर बिल्कुल कर दू मुझे पिछले दिनों पता चला फना वना मुल्क वाले चांदों पर गए चांद पर गए पता चला खबरों से मेरे तस्वर में आया हम लोग चांद पर मस्जिद कैसे बनानी है याद तो है। ऐसा को तो आ जाए के मदरी मदरू मुजा तस्करा हुआ था आ, तो एक करोड़ का एक ने कहा चांद पर जो फैताने मदी ना बना तो मैं दूंगा तो हमें जब चांद पर बनेंगे बनेगी उसकी नियत तो कर ले तो पता चला अभी तो देने नहीं है बहरहाल मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया पर आप जिस बदरी चैनल के जरिए आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये कितनी बड़ी नहमत है शायद ये आपको बताने की हाजत नहीं और हमारे पास ऐसे ऐसे फीडबैक हैं कि बदरी चैनल को देखकर कितने लोग नमाजी बने गुनाह करने वाले गुनाहों को छोड़ बैठे शराब पीने वाले शराब छोड़ने वाले बन गए बेपर्दा जो है वो बादा इस्लामी बहनें बन गई तो अलहमद दुनिया भर में बदरी चैनल जो बाहरें ला रहा है फिर कुरान हदीस इल्म दीन क्या कुछ है जो मैं बदरी चैनल नहीं सिखा रहा और फिर उसके साथ साथ सिर्फ उर्दू नहीं ये बर्डन लेने वाली बात है नाजी हम तो पाकिस्तान में है। अब ये अब दावत इस्लामी का तो पूरी दुनिया में काम करना है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है मुझे अच्छी तरह याद है चैनल के शुरू होते ही कुछ अरसे में ही वेस्टर्न वर्ल्ड से खासतौर पर यूके से यूरोप से अमेरिका वगैरह से डिमांड आई कि जनाब हमारे बच्चे तो उर्दू नहीं समझते हम भी अब इतनी तो अच्छी उर्दू नहीं जानते इतना टाइम हो गया हमारा रहते हुए तो इंग्लिश मदरी चैनल शुरू कर दिया गया उसी उन्हीं दौरान बांग्लादेश से डिमांड आई कि जनाब बंगला जा, जानने वाले भी दिन सीखना चाहते हैं करोड़ों की तादाद में है दावत इस्लामी ने बंगला मदरी चैनल शुरू किया अच्छा ये बंगला मदरी चैनल की रिकॉर्डिंग्स कहाँ होती है हमारा ढाका में स्टूडियो मौजूद है चिटागोंग में हमारी रिकॉर्डिंग होती है इंग्लिश मदरी चैनल की रिकॉर्डिंग्स कहाँ होती है बर्मिंग में स्टूडियो मौजूद है ब्रेडफर्ड में स्टूडियो मौजूद है लंदन में स्टूडियो मौजूद है अमेरिका में हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही है साउथ अफ्रीका में स्टूडियो मौजूद है तो दुनिया भर में नेटवर्क बनाना पड़ा यहाँ बैठ के बाद डिमांड आई किन सिखाते हैं, छोटे बच्चे सारा दिन इसको नहीं देखेंगे हम बच्चों को बिठाते हैं, वो हो जाते हैं। बच्चों, के लिए बच्चों का कोई आइटम लाए क्या बच्चे दीन भी सीखें और साथ साथ उनकी तरबियत भी हो और उनको कुछ इंटरटेन भी मिलता रहे तो अहमद ला दावत इस्लामी ने हम कह सकते हैं कि ये वो काम कर दिखा है जिसकी मिसाल पहले नहीं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए चैनल की ट्रांसमिशन शुरू की पहले एक घंटा रोज की थी अब अब अब, अब तक पांच घंटे हम इस किड्स मदरी चैनल की ट्रांसमिशन कर रहे हैं बच्चे इसको तो होस्ट कर रहे होते हैं आप देखते हैं बिल्कुल बच्चों के स्टाइल से कलर होते हैं और फिर ये जो खास तो तौर पे एनिमेटेड काम किया गया जिसको कार्टून तो कहा जाता है कार्टून देख कितनी बड़ी तबाही मची हुई थी ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि बच्चों की जब पर ऐसे ऐसे अल्फाज आते थे कि माँ बाप चौंक जाते थे कि ये कहां से सीखा तो पता चला वो सारा दिन जो कार्टून मोबाइल पर या इंटरनेट पर या बैठ के देख रहे हैं तो वो दिमाग में जा रही हैं बातें लेकिन अल्लाह की रहमत से अब अब ये जो एन, एनिमेटेड हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं आपके सामने हैं कि बच्चे उसे देखकर दीन सीख रहे हैं सुन्नतें सीख रहे हैं माँ बाप के हाथ चूम रहे हैं घर वालों को बच्चे दुआ पढ़ा रहे होते हैं भाई क्यों पढ़ा रहे वो हमने देखा था कि गुलाम रसूल ये दुआ पढ़ा रहे हैं तो फला प्रोग्राम में हमने देखा तो ये ये चीज़ हमने सीखी है तो ये वो बातें हैं जो जो काउंटर करना जरूरी है माशाल्लाह दावत इस्लामी के एक शानदार अंदाज ये जहां बुराई है जहां आग लगी हुई है अगर उसको बुझाना है तो उसका जायज तरीके से लेना होगा तो मीडिया के जमाने में मीडिया का जो काम दाउ इस्लामी ने किया आपके सामने, अब एक और स्टेप फॉरवर्ड किया गया पिछले चंद सालों से बदरी चैनल के जरिए तो हम जा रहे थे मगर यह तय हुआ कि जनाब और भी चैनल हैं जहां लोग हैं हमारे पास शायद वह नहीं है तो अब वहाँ रबते करके मदरी चैनल के प्रोग्राम विदाउट एनी चार्ज अब इस फील्ड में गए तो पता चला कि बाकायदा इसके चार्जेज़ होते हैं इसकी इसकी कॉस्ट ली जाती है इसकी डिमांड होती है हमारी एड्स चलेंगी दावत इस्लामी फ्री ऑफ चार्ज चैनल वाले भी हैरान हैं कि आप ये करोड़ों लाखों रुपये में प्रोग्राम बनाते हैं और हमें फ़्री में दे रहे हैं हमारा मकसद कुछ और है हमारा मकसद दीन की दावत है सुनतों की तरफ बुलाना है किसी तरह लोगों तक बात पहुँचे तो हमने अपने बहुत कीमती प्रोग्राम्स भी जिस वाकई हमारे लाखों रुपये खर्च हुए हमने अब दीगर चैनल्स को भी देना शुरू किया यूट्यूब

और पाँच घंटे में भी कुछ चीज़ें मतलब वो मिक्स करके हम चलाने की कोशिश करें तो कुछ हो लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह आप उर्दू इंग्लिश और बंगला की बात कर रहे हैं ऐसा ही पूरे के पूरा आठ से दस घंटे का एक चैनल हमारा किड्स का होना चाहिए ताकि घर में आपके पास रिमोट है आप रिमोट करें तो आपके सामने मल्टी चैनल किड्स आ जाए तो मल्दी चैनल किट्स आ जाए ट्वेंटी फोर सेवन तो आप अपने बच्चों को जब भी बिठाना चाहें अभी तो ये ना कि दो घंटे तीन घंटे बिठाना है हमें उस तरफ जाना है और हम उस तैयारी करने की तरफ ही हैं लेकिन ज़ाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि जब भी अब अब्दुल हबीब अब अब भाई के साथ ही मैं बैठा था मुझे याद है वो किट्स वालों को लेकर जब इनके सामने तो ये वजरत अदरत है चांदा भी मांगते हो फिर हमको आँख भी दिखाते हैं तो इनके सामने जब आया सारा ख़र्चा तो फिर वो थोड़ा हमारा रुका है हिसाब किताब के भाई थोड़ा इस पे खर्चा बहुत है। समझ डिमांड है इस्लामिक तो जाए रोज का आधा एक घंटा तो दिखाएं आपका कहना बड़ा आसान है आधा एक घंटा इसके एक मिनट पर तकरीबन डेढ़ लाख रुपए हमारा खर्च हो रहा है एक मिनट पर अच्छा ये भी खर्च हमारे इन हाउस मशीनें लगाकर अपने बंदे रखने पर हो रहा है अगर यही चीज हम बाहर बनवाएं तो तकरीबन तीन लाख रुपए खर्च हो रहा है एक मिनट का डेढ़ लाख रुपए सवा लाख रुपए खर्च करना तो घंटे के कितने हो गए और फिर हर रोज एक घंटा अगर हम ये बनाने लग जाएं तो बहुत ह्यूज खर्चा है हाँ अब इस पर हम ऐसा नहीं है ना ये वो लो लोग कहेंगे दुनिया कर तो रही है उनको हर कार्टन या हर, हर एक हर इसके पीछे एडवर्टाइज के नाम पर एडवर्टाइज अगर तीन लाख की कोई चीज बनी तो छह लाख उन्होंने कमाए ऐसा ही है बारह लाख उन्होंने कमाए हमें एडवर्टाइज तो करनी ही नहीं है हमें तो चंदा मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे अच्छा इसमें हम एक और काम भी कर रहे हैं याद रखिएगा ये जो किड्स भी तौर पर ये जो एनिमेटेड खाके है ना गुलाम रसूल के और इस तरह जो कार्टून जिसको कहते हैं इसको हम एक तीर से कई शिकार कर रहे होते हैं यानी खर्चा एक कर रहे हैं फवायद कितने ले रहे हैं कि गुलाम रसूल का जब ये पूरा खाका बन जाता है ना तो फौरी तौर पर कोशिश करते हैं इसकी अरबी में इंग्लिश में बंगला में और जबानों में दस बारह जबानों में इसके तर्जे हो जाते हैं इसकी डबिंग हो जाती है तो अब कार्टून दुनिया भर के बच्चे देख रहे होते हैं यहां तक कि तुर्की में मैंने देखा कि तुर्किश ब अरबिक बच्चे वो हमारे गुलाम रसूल के कार्टून देख रहे होते हैं और उससे सीख रहे होते हैं एनीमेटेड खाके देख रहे होते हैं तो हमें ये सोच रहा है कि इस स्पॉसरशिप के जरिए कितने मुल्कों की आने वाली नस्लों तक हम एक शानदार पैगाम पहुंचा रहे हैं अब नाजरी चलते

दावत इस्लामी के सब्सक्राइबर और लाइक्स हमारे मुख्तलिफ पेज़ पर हैं और ये तादाद अल्लाह की रहमत से बढ़ती जा रही है हमारी कई ऐसी वीडियोज़ हैं जो करोड़ा करोड़ लोगों ने देखी हुई है और वो टॉप रैंकिंग में आती हैं तो ये कैसे हुआ ये पूरा एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा शायद मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट नहीं है जितना दावत इस्लामी के पास मौजूद है इंग्लिश सोशल मीडिया अलग है उर्दू सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अलग है अरबिक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अलग है फिर जरा इसमें ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो बिग बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ बड़ी प्रेजेंस दावत इस्लामी ना रखती हो तो अगर आप भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं जाकर देखें अच्छा जैसे ही जो इवेंट आ रहा होता है रमजान शरीफ आ रही तो रमज़ान की पोस्टें रमज़ान से मुतिक मालूम उसके मुतल क्लिप्स जैसे ही शब कदर आएगी तो शब कदर के बारे में कुरान के बारे में जो इवेंट्स चल रहे होते हैं अच्छा जो ऐसे इवेंट चल रहे होते हैं जो लोगों को गुनाहों की तरफ ले जा रहे हैं जैसा मिसाल के तौर पर अप्रेल फूल आया तो बाकी शायद सोशल मीडिया पर वो मजाक मस्ती चल रही होगी दावत इस्लामी की तरफ से फायर ब्रिगेड का काम हो रहा था कि झूठ के खिलाफ जंग और झूठ के बारे में जो मजम्मतें हैं जो अहादीस हैं यानी हमें गुनाहों से बचाने के लिए भी मैदान में दावत इस्लामी नजर आती है अब मिसाल के तौर पर न्यू ईयर नाइट है सारी दुनिया में तूफान बदतमीजी होता है मदनी चैनल सारी रात प्रोग्राम करता है क्यों करता है कि दुनिया भर के आशिका रसूल इधर उधर ना जाएँ गुनाहों से बचें घर में बैठें हमारे साथ अल्लाह रसूल की बातें हों तो ये वो अंदाज है दावत इस्लामी का कि जहाँ गुनाहों का सैलाब आता है वहाँ बंद बांधने के लिए अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी हमें नज़र आती है नाजरीन ये तो चंद बातें बाकी चंद ही हुई हैं दावत इस्लामी के दी अमूर की दीनी खिदमांत की एक बड़ा प्यारा मुझे मैसेज हमारे रुकन शुरा ने किया और बड़ी कमाल की बात की कि कारोबार करने के लिए बिना

आप आ जाए हमारे साथ मिलकर करें बल्कि खुद ही ओनरशिप ले लें अपने हाथ से ही अपने पैसे खर्च करें हमारे किसी शोबे में आ जाए और उस शोबे के सारे मामला को आप खुद हमारे साथ मिलकर देखें अखराजा भी अपने हाथों से करें अपनी आंखों से देखें आपके पैसों का मसरफ क्या हो रहा है तो हम तो खुली किताब है एवरीबडी मोस्ट वेलकम आइए और हमारे साथ मिलकर काम करें इन शाह मिलकर आगे चलेंगे तो ये बात हो रही थी दीनी उमूर की इतना बड़ा खर्च इतने सारे दीनी उमूर बत्तीस हजार के करीब दावत इस्लामी के एम्प्लॉज हैं आप समझिएगा जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं दुकानदार लोग मुझे सुन रहे होंगे पाँच दस पंद्रह पच्चीस पचास सौ बंदे हों तो उसकी तनख्वाह निकालना एक बहुत बड़ा काम होता है बत्तीस हजार लोगों को कबो दावत इस्लामी सैलरी दे रही है अब ज़रा सोचिएगा इसके अखराजात कितने बनते हैं मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन अंदाजन एक तखमीन बता देता हूँ कि अगर बीस हज़ार रुपये एवरेज तनख्वाह हो क्योंकि कुछ लोग कई सालों से हमारे साथ हैं अब कई इदारे ऐसे हैं कई शोबे ऐसे हैं जिसमें हैवी सैलरीज भी रखनी पड़ती हैं तो बीस हज़ार की एवरेज सैलरी अगर हम ले लेते हैं तो बत्तीस हजार को मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी थाउजेंड करें तो चौसठ करोड़ रुपए बन जाते हैं चौसठ करोड़ को आप तेरह से मल्टीप्लाई करें एक बोनस भी देते हैं हम तो सात आठ अरब रुपए सात सौ आठ सौ करोड़ तो सिर्फ तनख्वाह के ही देने पड़ते हैं या दूसरे लफ्जों में अगर देखें तो रोज के तकरीबन दो करोड़ रुपए दावत इस्लामी को तनख्वाह में देने पड़ते हैं तो इतना बड़ा बर्डन ऑलरेडी था अब दावत इस्लामी ने

तो वो इतना अटेंडेंस उनको नहीं है। फिर जब वो बाहर जाते हैं ना तो आज का दौर कैसा है हमें ये बताया गया कि ये बेचारे खसूसी इस्लाम या नाबीना या घूगे बेरे भाई जो हमारे होते हैं ये मनुषियात फरोश के हाथ लग जाते हैं ये माद अल्लाह अब दहशत गर्दों के भी इस्तेमाल में आ जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल अकेले होते हैं इनसे कोई बात जो इनको मोहब्बत देता है जो थोड़े पैसे देता है जो इनको करीब करता है उसके करीब हो जाते हैं तो यानी हमारे माशरे से इस बुराई को खत्म करने के लिए भी जरूरी था कि इन लोगों को दीद के करीब किया जाए इनको मोहब्बत और प्यार देके अल्लाह रसूल के रास्ते पर लाया जाए हजारों इस्लामी भाइयों में अलहमदिल्ला की तरबियत का अहतमाम इनको नमाज सिखाना इनमें कई ऐसे हैं जो दरसे निदामी करके आलिम बन गए बल्कि अब माशा वो तरतदरीज कर रहे हैं नाबीना हमारे इस्लाइ ऐसे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं पैर नहीं है उनके हाथ नहीं है लेकिन अलहमद ला दावत इस्लामी ने उनको रोज़गार का मौका फराम किया हुआ है और वो एक शानदार अल्लाह की रहमत से ज़िंदगी गुजारने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अच्छा अब ये तो काम था ऑलरेडी लेकिन एक और बड़े अंदाज में जिस तरह दावत इस्लामी ने काम किया जब 2005 में जलजला आया कश्मीर में एक बहुत खतरनाक जलजला था कौन भूल सकता है मगर वहाँ भी करोड़ा करोड़ रुपए की अजनास तकसीम की दावत इस्लामी ने और वहाँ जाकर हमारे इस्लाम बने उनकी खैर खाई टू टू वे में की यानी उनके उन लोगों को रेस्क्यू भी किया उनके जनाजे भी पढ़ाए दीनी नीड थी उनकी और खाना चाहिए था कंबल चाहिए थे वो भी दिए फिर आपको याद होगा पाकिस्तान में मुसलसल दो तीन साल सैलाब आया तो उन सैलाब में दुशवार गुजार रास्तों में हमारे इस्लामे पहुँचे उन्होंने उनकी मदद की और दो हज़ार बीस को कौन भूल सकता है नाजरीन कि जब कोविड वायरस आया पूरी दुनिया को जिसने हिलाकर रख दिया एक लॉकडाउन सिचुएशन में दुनिया चली गई और रजब का महीना था अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि रजब शाबान रमज़ान ये तमाम मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तमाम दीनी इदारों के लिए यही तो दिन होते हैं एहतियात जमा करने के दुकानें बंद मार्केटें बंद लोग घरों में जनाब पहुँच गए तो अब टेंशन ये था कि दावत इस्लामी का चंदा कैसे होगा मगर अल्लाह सलामत रखी अमीर सुन्नत को एक ऐसा दर्द उम्मत है उनके अंदर कि उन्होंने कहा कि खैर है आप उम्मत की मदद करें और दावत इस्लामी वाले निकले बाहर और उनको खाना पहुंचाएं राशन पहुंचाएं हमने एक टारगेट सेट किया कि हम 26 लाख लोगों तक इनशाला पहुंचेंगे और हमारे पास आदाद व शुभार हैं कि तकरीबन 26 लाख का आदफ हम अचीव कर चुके 25 लाख तो हो चुके थे अब माशाला और जारी रहा तो छब्बीस लाख के करीब मुसलमानों तक न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया के कई मुल्कों में राशन पहुँचाया कैश पहुँचाई पका हुआ खाना पहुँचाया तो ये वो काम है जो दावत इस्लामी ने कर दिखाया हालांकि एक बर्डन दाऊत इस्लामी पर ऑलरेडी मौजूद था मगर इसी सिनेरियो में एक और डिजास्टर होता नजर आया कि बच्चे जो थे थैली के आ, वो परेशान हो गए कि कोई बाहर नहीं निकल रहा है ऐसा शबे बारात को मुझे पिछला लॉकडाउन यू याद आया कि लॉकडाउन भी कितना सख्त था कि मैं और मेरे भाई जो है ना वालदे की कबर पर गए शबे बारात को जाके दुआ कर लें हमें पुलिस वालों ने गाड़ी से नहीं उतरने दिया कि आप हम कबर भी आपने देखा कब्रस्त में कबर भी करीब उतर के सिर्फ फातिया पढ़ लें नहीं आप वापस जाए हमने गाड़ी में बैठ के फातिया पढ़ के आया यानी इतना शदीद उन दिनों में लॉकडाउन हम सबने देखा है लेकिन उन दिनों में कैसे थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड मिलता मगर दावत इस्लामी ने वो कर दिखाया लाइने लगा कर आशिका ने रसूल बाहर निकले हॉस्पिटल वाले हैरान हो गए कि <स्थिण> कौन सी मखलूक है अमीर सुन्नत का ऐलान था और लोगों ने अपनी ही जान यूँ समझी कि जान अतीली पे रख के वो निकले थे क्योंकि उस जमाने में एक ऐलान होता था हॉस्पिटल के करीब नहीं जाना है कोरोना वायरस की वजह से लेकिन माशा भाई आए अभी तो ये सिलसिला अब तक जारी है परसों अभी हमारे इलाके बाद में अलहदुल्ल ब्लड कैंप लगा ये पूरे पाकिस्तान में अलहमदिल्ला अभी भी सिलसिला जारी है की है इसको

तो आज भी खड़ी और अल्लाह ने चाह तो कल भी खड़ी रहेगी छत्तीस तो तो हजार से ज्यादा खून की बॉटल थाउजेंड के करीब अल्लाह की रहमत से ब्लड बैंक दावत इस्लामी की तरफ से दिए जा चुके हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी है और हम इसका जो सिलसिला बनाते ना तो उसको तनजीमी नेटवर्क में ले लें जी जी अब जैसा अभी आप निगरान शुरुआके हम नॉर्मल चल रहे हैं तो हमने अपनी काबीना को दो दो महीने का टारगेट दे दिया कि दो महीने में एक दवा कैंपिंग होगी अस्सी से सौ बोतलें आपको देनी है।, है। तो यूँ जो कराची की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं तो दीगर शहर है पूरे पाकिस्तान अहमदा ये सब सिलसिला अब तो ऐसा हो गया कि इदारे वाले हमें रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि इस महीने में इतनी बोटल चाहिएगी दावत इस्लामी वाले करके उन्हें दे देते हैं यानी इतना आसान हो गया अल्लाह की रहमत से और इस सिस्टम के अंदर आज बड़ा टेंशन था इधारों वालों से मेरी मुलाकात हुई है ब्लड लेना आसान इनके लिए भी ना था मगर अल्लाह की रहमत है दावत इस्लामी ने किसी हद तक ये आसानी दोबारा क्या दाऊत इस्लामी इस वक्त आपकी सोसाइटी की नीड है ज़रूरत है हाजत है दावत इस्लाम अब ये सब ये जो जुमला आप कहते हैं ना ये अगर ग़ौर से इस दूसरे सिनेरियो में देखा जाए ना कि कैसी नीड है कि कुरान पढ़ना है तो पढ़ाने वाले हैं नमाज़ पढ़ना है तो पढ़ाने वाले हैं दीन सीखना है तो सिखाने वाले हैं ठीक है गुनाहों से बचना है तो बचाने वाले हैं अगर भूखे हो गए तो खिलाने वाले हैं बीमार हो गए तो खून देने वाले हैं यानी वो कौन सा काम है जिसमें दावत इस्लामी जो है बर भी आगे बढ़ गए तो दफनाने वाले हैं बीमार हो गए तो यादत करने वाले अजान देने, आजान वाले देने भी वाले, भी, भी, हैं। भी हैं अच्छा हॉस्पिटल में चले गए या बीमार है तो दुआएं भी हो रही होती हैं फिर सवाब इसे इंतकाल के बाद यानी अपने खानदान वाले भूल गए दावत इस्लामी वाले सवाब इस्तेमाल कर रहे होते हैं यानी क्या सिस्टम है फिर क्यों ना हम पार्ट ऑफ दावत इस्लामी अब इस इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए ताकि जिंदगी बहुत सारे मामला में ये वो शानदार माहौल है जो है काम दे

ठीक है दावत इस्लामी उनकी दीनी नीड्स तो पूरी कर रही थी मेडिकल नीड्स और एजुकेशनल नीड्स जो है वो उसमें बहुत बड़ा गैप है और बहुत महंगा होता है ये इलाज गरीब लोग तो सोच भी नहीं सकते थे तो इनकी थेरोपीज इतनी महंगी होती हैं और बाज बंदा बच्चा सुन सकता था लेकिन चूंकि इसकी थेरेपी नहीं हुई तो वो जिंदगी के लिए गूंगा भी हो गया लेकिन अगर उसको उस वक्त थेरेपी करा दी जाती स्पीच थेरेपी तो शायद वो बेचारा बोलने वाला बन जाता तो अब इन तमाम कामों को करने के लिए पहली ब्रांच कराची में खोल दी गई है शारा फैसल पर और अब अगली ब्रांचेस पर इस पर काम हो रहा है कराची में ही अब अगर तीन चार इलाकों में ब्रांचेस का फिलहाल प्लान रमजान के बाद रखते हैं और फिर इसको हम आगे लेके चलेंगे तो ये इस्लामी एफ एफ ने किया अच्छा इसके बाद एक और बड़ा गैप नजर ये आता है कि हमारे वतन में बिलखसूस और फिर पूरी दुनिया में, में करना है कि जनाब माहौलियाती जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न जंगलात की कमी दरख्तों की कमी ये कम होती गई अलहदुल्ला शजरकारी एक सदका जारिया है अमीर अलीसत ने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया कि पौधे लगाए जाएँ और अब माशा एफ जी आर एफ के तहत पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के कई शहरों में प्लानेसन हो रही है और हमारा नारा यह है कि पौधा लगाना है दरख्त बनाना है लाखों पौधे लग चुके हैं जी हाँ नाजरीन और वही आज अमीन वाली बातें कि सिस्टम के साथ लगा रहे हैं ऐसा नहीं कि रोड पर निकले ज़मीन पर निकले और लगा के चले गए निगरान जिम्मेदार इलाके की जिम्मेदारियाँ हमने अपने मालियब रखे हैं पानी पिलाने के लिए बायदा चीज़ें प्लान कर रहे हैं ताकि ये पौधे दरख्त बने और आने वाली नस्लों के लिए हमारे फ्यूचर के लिए ये ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ हों हमारे माहौल को बेहतर करें तो ये बहुत ही मुख्तर आज हमने तारफ़ पेश किया एक सवा घंटा हो गया हम सिर्फ को बयानी

मदनी काफिला जो एक मकाम है ना शराब ने शुरू में शुरू में स्टार्ट लेकर किया था पैसे निकालना आसान है बंदा निकालना जो है ना घर से है पैसे ले जाओ यार पैसे ले जाओ लेकिन एक एक महीने के लिए बारह बारह महीने के लिए लाइफ टाइम के लिए इस्लामी भाइयों को सफ़र करा देना ये सलमान भाई जो है ना ये पंजाब के कराची में बैठे हैं हमारे कई अराके शुरा कराची में बैठे हैं किसी और शो के हमारे हाजी बिलाल किसी और शहर के पिंडी में बैठे हुए हैं मुल्क ने मुल्क कितने इतने में बैठे हैं हमारे बगदाद में रुकने शूर आए हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए हैं खुद हमारे हाजी शाहिद ये नवाब शाह के थे जी और नवाब शाह वाले सरदाराबाद वाले कहलाते नवाब शाह वाले कहलाते थे अब है फैसलाबाद वाले ठीक है तो ये हैं इस तरह और बहुत सारे स्टाइम भाई हैं जिन्होंने शहरों में अलाके बदले हैं जिन्होंने शहर के शहर बदले हैं मुल्क के मुल्क बदल लिए ये सब बदले ये जो बदलना है ना अच्छा अकेला नहीं बदलना रहा अच्छा बोले यार बेरोसी बदलती है ये भी बदलते वो बदलते इनके साथ जो मुराहत और फैसिलिटीज़ और जो एक फीचर होता है वो उसके साथ यहाँ तो सिर्फ दीन की खदमत का जज्बा है ना ये जो बदलवाता है ना शहर बदलवाता है सफ़र करवाता है मस्जिद में रुकना है ऐसा नहीं कि आप एक महीने के लिए चले गए तो आपको वहाँ के लिए कोई स्टेट वो एक हाउस बना हुआ है मस्जिद में रहना तो ये जो मदनी काफलों का जो निज़ाम दावत इस्लामी नामे दिया है ना और फिर उसमें फिर मदनी काफलों के साथ साथ कोर्सिस का निज़ाम बारह बारह दिनों के लिए एक एक महीने के लिए आपको कोर्सिस करवाए जा रहे हैं माशाला शबाल मक्रम से एक बार फिर मदनी काफ़िला मदनी इनामत को जो मदनी काफिला कोर्स था हमारा फोर्टी वन डेज़ का वो दोबारा हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो ये जो दो दो महीने तीन तीन माह और साल बारह बारह महीने जो इस्लामी भाई दे रहे हैं दीन के लिए ये यकीन माने ये बहुत बड़ा मदर इनकलाब है बहुत बड़ा मदरिनकलाब है इस मदरनकलाब की जितनी तारीफ की जाए कम है इससे दावत इस्लामी क्या हुआ गाँव में शहरों में अब कितने अतराफ गाँव में दावत इस्लामी पहुँच रही है वहाँ मसाजिद का क़्याम जामतमदीना का क़याम ये सारे क़याम वहाँ जाकर हमने मदनी काफले में जो जो एक अजीम जिसको इनकलाब कहें जो इनहसमेंट हुई है कि पहले तो हम तीन दिन के मदनी काफले बारह दिन के और एक माह के मदनी काफले सुनते थे अब तो मदनी काफिलो की ट्रेनें रवाना हो रही हैं यानी, यानी दावत एक एक महीने के एक एक माह का मदनी काफिला की ट्रेन पूरी और ये ट्रेनें को आपने देखी ऐलान होते हैं अभी मैं वहां पर थे नूरियाबाद वाली साइड पर उन्होंने बताया कि हमारी पूरी बिन कासिम काबीना से पूरी एक ट्रेन एक माह के लिए रवाना हो रही है ईद के बाद वो नाम लिख रहे थे तो आप सोचे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती के भाई मदरी आ गया है और जनाब यह डाउनफॉल गए नहीं जनाब मदनी काफले डे डे अब तो इतनी बड़ी तादाद में। ताजरान मदरी काफले में जा रहे हैं स्कूल के तलबा जा रहे हैं प्रोफेसर जा रहे हैं वकील मदनी काफले में जा रहे हैं तो क्या बात है दावत इस्लामी की वो कौन सा शोभा है जिसमें डे बाई डे मेरा सुनत का जुमला याद रखिएगा कि जब से दावत इस्लामी बनी है दावत इस्लामी एक कदम भी

ये जमा हो जाता है अल्लाह की बारगाह में हदीस से है जिसमें रबिर फरमाता है जिसका मजमून है कि ए आदम अपना माल मेरे पास जमा करवा दे ना जलेगा ना डूबेगा ना चोरी होगा यानी ना कम होगा मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी ये माल हमारा जमा हो रहा है और हमें क्यामत के दिन वापस मिलेगा अच्छा यहां भी मल्टीप्लाई होता है अल्लाह की राह में खर्च करें तो एक का दस हमने अपनी आंखों से देखा है बल्कि मैं एक सवाल करता हूँ आपसे नाजरीन जो लोग हलाल कमाते हैं और पूरी जकात देते हैं वो बताएं हर साल उनकी जकात बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है कैसे बढ़ रही है जकात बढ़ने का मतलब यह कि माल बढ़ रहा है माल कंटिन्यू अल्लाह की रहमत से दुनिया में भी बढ़ता है और आखिरत में भी इसका बेहतरीन अजर मिलेगा अच्छा अब खर्च करने वाले खर्च कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारे मुझे ऐसे नाजरीन सुन रहे होंगे जो जक़ात पूरी देते हैं सदका खैरात देते हैं और बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होंगे कि यार यहां खर्च करूं यहां करूँ यहां करूँ मैं आज आपके सामने दावत इस्लामी का ऑप्शन रख रहा हूं मैं आज, आज आपके सामने दावत इस्लामी की खिदमत पेश कर रहा हूँ सब मिलकर आपको बता रहे हैं मुझे बताइए क्या आपके सामने इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन है यकीन अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करें हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि सब हमें दे दें। हम तो पहले तरगीब देते हैं हमेशा ऐलान होता है लेकिन अब दावत इस्लामी इतना बड़ा जब काम कर रही है और अच्छा ये भी एक थोड़ा सा छोटा सा अपना अपनों से गिलाई किया जाता है कि कुछ लोग मोहब्बत बहुत करते हैं दावत इस्लामी से मगर दावत इस्लामी का हिस्सा थोड़ा रखते हैं मुझे एक बात बताएं कि जब आप मोहब्बत करते हैं आपको पता है यहाँ काम ठीक हो रहा है तो आपको दावत इस्लामी का हिस्सा ज़्यादा रखना चाहिए ताकि ये काम और आगे बढ़े और अभी तो बहुत सारे प्लान हैं पाइपलाइन में कई ऐसे अब्दुल भाई के जो कर सकते हैं हाँ लेकिन कि हमने सुना है यार हमसे चंदा नहीं होता ये ना करें चंदा करना ये मतलब अल्लाह के नेक बंदों ने भी दीन के लिए चंद बल्कि इस्लाम व दीन के लिए माल की तरगीब दिलाना के माल दो अल्लाह के राम ये मुस्तफ़ा करीम सल्लाम की प्यारी सुन्नत है हमारी इज़्ज़त दीन की वजह से इस्लाम की वजह से है और जो इस्लाम व दीन के लिए काम करता है अल्लाह उसकी इज़्ज़तों में इजाफा फरमाता है उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं आती जब आदमी को ज़रूरत होती है तो कर्जा भी मांगता है और कारोबार करना हो तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट भी मांगता है हमारे कई ऐसे बिजनेसमैन है जो हमारे साथ चलकर अपने अपने दोस्तों के पास हमें ले जाते हैं खुद फोन करते हैं अच्छा अब हमने आपके लिए काम आसान कर दिया है दावत इस्लामी के जिम्मेदारान इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें भी और मदरी चल के नाजरीन भी हो सकता है आज आपका जहन बन रहा हो तो अच्छे अच्छे मैसेजेस आना शुरू हो गए कॉल्स भी हैं वो भी लेते हैं कि आपके जहन बन रहा हूँ कि यार वाकई इतना बड़ा काम है कि मुझे भी इसमें साथ देना चाहिए लेकिन यार ये सारी बातें तो मैं कैसे कर पाऊंगा तो हमने अलहमद लाप के लिए प्रेजेंटेश दस मिनट की भी है पाँच छह मिनट की भी है बारह पंद्रह मिनट की भी है आप वो प्रेजेंटेशन अपने निगरानों से हासिल कर लें हम इनशा अपने निगरानों तक तो उसे पहुंचा देते हैं दाऊत के जिम्मेदार तक अपनी बीस पच्चीस मिनट की वीडियो है बड़ी है लेकिन वो बड़ी इसलिए तकरीबन सत्तर से ज्यादा शोबे मैंने उसमें बयान किया दाऊद इस्लामी वो शोबा का नाम वो शोबे का काम वो शोबे का नाम वो दीनी काम वो दीनी नाम जो हमने रखा है और दीनी का नाम के नीचे उसका जो दीनी काम है हमने उसको बयान किया है ये तक बीस पच्चीस मिनट की वीडियो है जो हमारे जिम्मेदारान के पास मौजूद है मेरे फेसबुक पेज पर भी आई थिंक वो मौजूद होगी आप कोशिश करके एक बार उससे कहीं आते जाते बैठते हुए।, हुए एक बार देख लेंगे तो दाऊत इस्लामी के डिपार्टमेंट और इनके काम ये इनशाला एक बार आपकी नज़र के सामने से गुजर जाएंगे तो आप जब बैठ कर बात करेंगे ना चंदे के लिए नहीं होता बात करते तो उसका एक इंटरेस्ट जाहिर होता है तो आप उसको दावत इस्लामी के काम में लेकिन सबसे अच्छा पहले, पहले कोशिश करें अपने इलाके के इस्लामी भाइयों को इस्लामी बहनों को दावत इस्लामी की जो इलाके के जो दीनी काम होते हैं वो तहरीक को समझें तहरीक के निज़ाम को समझें तहरीक के स्ट्रक्चर को समझते हैं और जब तहरीक के स्ट्रक्चर को समझ कर जब ऊपर आते हैं ना ज़िम्मेदारान के साथ तो उनके लिए काम करने में मज़ीद बेहतरी और आमदगी पैदा हो जाती चार। है चार। कि ऊपर से नीचे का निज़ाम समझना आसान नहीं है नीचे से चलकर ऊपर का निज़ाम क्योंकि जब भी आप ऊपर की छत पर जाएंगे तो सीढ़ी से ही जाएंगे लिफ्ट से जाएंगे ऊपर से नहीं होता तो कोशिश करें मैक्सिमम इस्लामी भाइयों को अपनी दावत इस्लामी के जो इलाका दीनी काम हैं उनमें लेके जाएं हमारे डिवीज़न निगरान है काबीना के निगरान है जोन के निगरान है अल्लाह का ही निगरान है इनको दावत इस्लामी के दीगर जगहों पर आप लेके जाएं, इन्हें अपने साथ मदनी काफ़िलों में सफ़र कराएं, इन्हें अपने दर्स व बयान में बिठाएं, इन शाह देखेंगे इसके आपको फ़वाद नज़र आएँगे मेरी नज़दीक दुनिया में दावत इस्लामी वाद तंजीम है मेरे नज़दीक हो सकता है कि कहीं और हो मेरी मालूम में इजाफा कर दीजिएगा मेरे नज़दीक दुनिया की ये वाद तंजीम है जो बालिगान का मदरसतुलमदी लगा दी है यानी बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए दुनिया में मदरसे क़ायम हैं लेकिन बड़ों को क़ुरान पढ़ाने मदरसा पढ़ाने का शायद आपको एक भी मदरसा नहीं मिलेगा ये सिर्फ़ दावत इस्लामी है जिसके मदरसोमदीना बालिगान शायद आई आई आए, एम नॉट रॉन्ग पच्चीस हज़ार से ज़्यादा हैं और लाखों इस्लाम लाखो इस्लाम है लाखो इस्लामी भाई लाखों इस्लामी भाई हैं लाखों इस्लामी बहनें जो रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ रहे हैं हमारी इस्लामी बहनों के हज़ारों हफ्तावार वज्तम होते हैं हज़ारों जी हाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों हफ्तावार वजतमा होते हैं इस्लामी बहनों के और दीगर जो हमारे हफ्तावार इज्त हैं ये अलग हैं और हमारे अपनी दावत इस्लामी की मसाजिद जो आप देखते हैं सारे तीन सौ से ज़्यादा फ़ैदान मदीना बाना फ़ैदान मदीना खाली पाकिस्तान में कायम है तो आप इस तरह अपने इस्लाम भाई को लेकर चलेंगे तो इन शाह सामने दावत इस्लामी मज़ीद वाज होगी भी आई टी का तारुफ इन्होंने अभी पेश नहीं कर सके पूरा दावत इस्लामी का आई टी का शोबा है पूरा मालियात का अकाउंटबिलिटा ऑडिट का हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है सारे के एक एक प्रोग्राम के अंदर पूरी की पूरी दावत इस्लामी को यूँ बयान करना इतना आसान इस्लामी बहनों का कितना बड़ा नेटवर्क है इस्लामी भाई जितना बड़ा काम कर रहे हैं हम तो कभी कभी फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इस्लामी बहनें उससे ज़्यादा मुश्किल भी है अब्दुल तो हबीब भाई लिए हम जितना फिजिकली आकर काम करते हैं उसका इनके लिए इतना आसान नहीं है और इनका बाकायदा आलमी जैस आलमी मर्जी से मुशावरत है जो मरकजी मद शुरा के तहत एक जो एक बड़ी एक अथॉरिटी बनी है वो आलमी मदज से मुशावरत है उनकी भी एक निगरान है उनके साथ जिम्मेदार है दुनिया भर की इस्लामी बहनें उसके रुकन बनी हुई हैं और वो दुनिया उनमें दावत इस्लामी के दिनी काम और इदारती काम तकसीम है

कि देने वाले को पता हो कि यार ये वो काम है क्योंकि ये इस्लाम और दीन की जरूरत है जो हम इस वक्त आपके सामने ये बयान कर रहे हैं ताकि हमें चंदा देने वाला इतना मत उसका पास खुला हुआ जहन हो कि भाई ये ये मेरा पैसा जो है ना अच्छा अच्छा इन कामों में इन कामों में इन कामों में इन कामों में भी खर्च हो जाएगा आइए जरा आप चलते हैं कुछ कॉल्स सिलसिले में शामिल करते हैं जी मेरा नाम शारुख सतारी है इमरान साहब से मालूम करना था कि आपने जो ई रसीद के नाम से बनाया है नया सिस्टम तो इसके बारे में कुछ बताए रेसिड बेसिकली ये बड़ा शानदार सिस्टम है कि अब हमारा डोनर जो है वो मोर सेटिस्फाई होता है पहले हमारी मैनुअल रसीदें थी इस्लामी भाइयों के पास एक बुक होती थी जिसमें वो पहले रसीद देते थे फिर वो पैसे आके मरकज़ में जमा करते थे लेकिन अब इसको हमने और एडवांस कर दिया है कि हमारे जिम्मेदारान के हाथ में हमने सॉफ्टवेयर दे दिया है तो जैसे ही वो किसी से रकम लेते हैं तो वो आपकी ई रसीद राइट अवे बनाकर आपको व्हाट्सअप भी कर देंगे और आपको दावत इस्लामी के मरकज़ से कन्फर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि ये पैसे आपके दावत इस्लामी के मरकज़ तक पहुँच गए तो ये एक सेटिसफेक्शन लेवल भी बढ़ा गया बढ़ गया और एक और समझे कि, कि कंट्रोलिंग जो है वो ज्यादा आसान हो गई है और आप भी कोशिश किया करें कि जब आप रकम दें तो हमारे जिम्मेदारान से ये अर्ज करें कि आप हमें ई रसीद बनाकर दें ताकि ये और अच्छे तरीके से जो है ना चीजें हो रही हैं अलहमदिल्ला अगली कॉल दीजिएगा कमर अतारी सरगोदा इकत्तर शुमारी ऐसी मैं निगरानी शूरा और हाजी अब्दुल भाई और सलमान मदनी बारूँ मेरे लिए दुआ फरमाए और मैं नीयत करता हूँ इन शवजल आयदा जुम्मे से लेकर फितर तक इनशाला जितने भी जुम्मे आएंगे इन जुम्मो को मैं मुख्तलिज में जाके दावत इस्लामी के मदनी अतियात बढ़ाने के लिए इन शवजल झोली लगाऊंगा आप दुआ फरमा दे इसकात की माशा अल्लाह इस और अखलास के साथ बरकत भी अताफर देखिए ये ये डेडिकेशन इस्लामी भाई ज़रा देखें कि एक इस्लाम पर बाजू वो होते तो जो ख़ुद नहीं दे पा रहे होते लेकिन वो दिलो जान से इसके लिए कोशिश कर रहे होते तो जो दे सकते हैं उनको आगे बढ़ के देना चाहिए कि मैं तो यकीन करें कई बार कारोबारी या मालदार लोगों को एक जुमला कहता हूँ दोबारा कह देता हूँ सोच सकता है मुझे सुन रहे होंगे कि यार एक तो वो लोग हैं जो दीन का काम कर रहे हैं कुरान पढ़ा रहे हैं दीन सिखा रहे हैं बन रहे हैं काफलों मदनी काफलों में जा रहे हैं तो हमें अल्लाह पाक ने नवाज़ा है हम कम अज़ कम इनका माली सपोर्ट चंदा भी वही करें दीन का काम भी वही कर रहे हैं चंदा भी वही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली साइड हम संभाल लें कि हज़रत आप सब दीन का काम करें हम इन शाला आपकी माली मदद अच्छे अंदाज से कर दें तो आगे बढ़ के ये दस्तो बाजू बने दावत इस्लामी के मुझे एक ऐसा मैसेज आया जो इस तरह के मैसेज जो है ना ये सब हौसला भी बढ़ा देते हैं और आँखें भी नम कर देते हैं ये कैसी डेडिकेशन है ये कैसी मोहब्बत है दावत इस्लामी से दावत इस्लामी की इतनी खिदमांत हैं तो हम क्यों ना इसका साथ दें ये सब देख मुझसे रहा नहीं गया मैंने अपने उम्र के लिए जो पैसे जमा किए वो मैं सारे अभी, अभी अभी इस्लामी बहन को पेश कर वो शायद कोई इस्लामी बहन है कि मैं इस्लामी बहन को पेश कर देती हूँ दावत इस्लामी अब आप क्या बात ये जितने जमा होते हैं ये पूरे ये लोग दे देते हैं और बाज होकर बैंक अकाउंट भरे होते हैं और पूरी जक़ात आई सब मैं तो ये चाहूँगा इस पर हम या तो कोई अलग सिलसिला करें या आप हमारी रहनुमाई करें क्योंकि अब लोगों से मिलते हैं ना तो अंदाजा होता है कि बहुत बड़ी तादाद है जिस तरह कहते हैं ना बहुत बड़ी तादाद नमाज नहीं पढ़ती नहीं। नहीं। लगता है बहुत बड़ी तादाद पूरी जकत नहीं देती है और अमीर इस्लामी को जो भी, भी फरमाया कि अगर सारे लोग जक़त पूरी सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले दे देना पाकिस्तान में कोई गरीब ने नहीं बचना दावत इस्लामी तो बहुत छोटा स्टेक है वल्ला मैं आपको सही बता रहा हूँ जितना दाउा इस्लामी का यह बहुत बड़ा, बड़ा 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 खर्च सुन रहे कुछ भी नहीं है दावत इस्लामी कई जक़ात तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची के एक दो पोष इलाकों के लोग पूरी जक़ात देते तो पूरी दाऊत इस्लामी तो उसके पैसे हो गए बाकी किधर जाएंगे यानी बाकी पैसे किस कदर गरीबों की मदद हो सकती है कितने सारे और इदारे बन सकते हैं कितने सारे और अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम भी इन हो सकता सब है सबको अल्लाह से डरना चाहिए सच्ची बात यह जकत ना देने वालों को पूरी जक़त नहीं देते आधी देते हैं सही नहीं देते इन सबको अल्लाह ताला से डरना चाहिए आधी है सब के ये जकवात माल का मैल है और जिस ये मैल जिस माल में रह गया ना मिल गया वो माल को भी बर्बाद आगे बर्बाद कर देगा कयामत के दिन अजाब अल्लाह अजाब है इसके ऊपर अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए बल्कि ज्यादा दें बहुत ज्यादा दें और नफली भी वो भी वो भी दे, 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 वो 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 दें 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 देते रहें तो इन शाची ये, ये 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 अभी आप जो कह रहे हैं उम्र का माशा इनको बरकत दे और इन्हें बार बार मदीना बार बार हज की इसमें देखिए एक बड़ी तादाद को मदीन पाक की हाजिरियाँ माह रमजान में नसीब होती थी उम्र भी करते थे लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं जा पाएंगे शायद एक बड़ी तादाद है तो आपकी पूरी पूरी फैमिली के वो जो आप उम्र पर खर्च करते थे मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी के लिए जो आपने रकम रखी थी मेरी दरख्वास्त कि वो रकम मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वा, दीन वा, के लिए अच्छा ये ये बड़ी कवाल की बात है कि वो पैसे जक़ात भी नहीं थे नहीं वो तो एक्स्ट्रा ही थे ना घर फैमिली पे खर्च वा, करने थे अच्छा पिछले रमजान के भी बच गए कई लोग हज पे हर साल जाते थे कुछ ऐसे बल्कि एक तादाद है जो कि मक् मुकरमा मदीन मनवरा मस्जिद हराम मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाते थे और करोड़ों करोड़ों रुपये उनके दस्तर ख़ान पर से इफ्तार वग़ैरह के नाम पर खर्च होते थे तो वो भी गालिबा ही जाएंगे तो क्योंकि इस बार तो दस्तरखान इफ्तार इसकी इजाज़त भी नहीं है जो मेरी आखिरी इतला है तो ये जो रकम आपकी बची है ये रकम भी तो दीन के काम में खर्च हो सकती है बहुत अच्छी बात यानी जब आपकी रकम खर्च होनी थी आपने कुछ करना ही था अब वापस जेब में तो ना रख लेना तो वापस जेब में ना रखे वो, तो वो अल्लाह के वो अल्लाह के नाम पर ही खर्च कर दें दे और हमारी तरफ बढ़ा दें तो इन हमारे वैसे दसर खान पूरा साल लगते रहते हैं लंगड़े रजविया के नाम आप पार। पार। लंगर, पार। लंगर के नाम पर भी दे सकते हैं लंगर के नाम पर अभी देखो सलमान मैंने एक बात बताई थी कि जामेतुल मदीना के तलबा कराम के तालुक जब आपने जो सवाल किया तो बात बताए कि हमारा इलाज भी फ्री होता है ऐसा ही है तो दावत इस्लामी में जो बत्तीस हज़ार के आसपास जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके इलाज के ताल्लुक से भी हमारे पास बहुत अच्छा खानदान तो। खानदान का भी इलाज खानदान का भी इलाज है तो इलाज हो खिलाना पिलाना हो बल्कि बत्तीस हज़ार एम्प्लॉयज़ जिसका ये कह रहे हैं अब्दुलरबीब भाई तो बत्तीस हज़ार मोरस फैमिलीज़ हैं कि जिनको मतलब कि दावत इस्लामी के साथ उनकी बाकायदा किफालत लगी हुई है और वो दीन की खदमत कर रहे होते हैं अल्लाह इनको जजाय ख़ैर फ़रमा हमीन तो ये सब मिलजुल कर देखा जाए जामतुलमदी में दो ती, तीन टाइम का खाना होता है हमारे मुख्तलिफ मकाम पर लंगरे रजविया के तालु से खाना पीना होता है तो ये कमी नहीं है और तो अल्लाह आपको जजाय ख़ैर दे तो जो ये रकम आपकी बच रही है और ये रकम जो बच रही है ना ये अरबों में बल्कि खरबों में ऐसे ही अगर दुनिया भर की सकम का मैं जायज़ा लूँ तो खरबों में तो ये जेब में जाने के बजाय या किसी और ऐसे काम में खर्च हो जिसमें ना सवाब हो ना कुछ हो तो दावत इस्लामी की तरफ दें अगर दावत इस्लामी की तरफ नहीं देते तो वाकई किसी गरीब और मुस्ताक की खिदमत करें ये पैसे निकाले जरूर निकाले जरूर वा, वा, उसको वापस मत रखिए ये मेरी आपसे आपको और देगा यार अमीन अमीन बहुत प्यारी बात उशर को भी ऐड फर मे जी 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 जिस तरह गंदम का सीजन भी जो है वो उशर चल रहा है साथ साथ चल रहा है उशर इनमें कई जगहों पर कटाई हो रही है और याद रहे कि जिस तरह माल की ज़क़त है इस तरह फसल की भी ज़क़त है इसके अहकाम भी हमें सीखने चाहिए तो हमें अपनी जो उशर है जो हमारी ज़मीनी फसल का है उसको बढ़ चढ़ कर दें मुझे हैदराबाद के जिम्मेदारान की तरफ से भी मैसेजेज आए कि भाई उशर की भी तरकीब है तो बिल्कुल ये तो ज़मीन का जो फसल है वो भी हमें जो उसका उशर बनता है वो दें मैं आपको यह सब अच्छी खबर दूं आपको खुशी होगी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई थी एक सबक़ कौमी इसम्बली के स्पीकर साहब से उनका मुझे थोड़े दिनों पहले मैसेज आया कि मुझे ज़रा उशर के अहकाम समझाएं उशर की बातें बताएं जमींदार होंगे उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इन शुरू पूरा उशर निकालूंगा तो ये हमें फिक्र भी उन्हें चाहिए और उसके बाद जो है उस पर हमें देना भी चाहिए और पूरा देना चाहिए ज्यादा दे दे ये मैल बच ना जाए बाल का भाइयों को चाहिए कि आपने भी एक हवाला दिया तो जो भी छोटे बड़े हैं छोटे जमींदारों या बड़े जमींदारों जो भी है अल्लाह की राह में देना है सबने कौन छोटा कौन बड़ा जिसके पास एक एकड़ की जमीन है वो भी अल्लाह की राह में दे रहा है जिसके पास हजारों एकड़ की जमीन है वो भी अल्लाह की राह में दे रहा है अल्लाह को किसका देना पसंद आ जाए कबूल हो जाए वो तो अल्लाह बेहतर है अब छोटे बड़े सबके पास जाए सबसे बात करें जिस छोटे बड़े जो जक़ुआ देने वाले हैं सबसे रब्ता करें जो फितरा देने वाले हैं फितरा देने वालों से रबा यानी एक रुपये से लेकर अरबों रुपये तक देने वाले से आप रबा करें ना एक रुपया हमें छोड़ना है ना लाखों करोड़ अरबों रुपये हमें छोड़ने हैं हमने सबसे डोनेशन लेना है ताकि दावत इस्लामी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके तरक्की कर सके एक मैसेज आया इस्लामी भाई का खानपुर से एक करोड़ बारह लाख दावत इस्लामी को जमा करवाने की नीयत करता हूँ तो, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें आ, ये ये सारी इस्लामी भाई जितने मुझे व्यूवर्स देख रहे हैं ये सिलसिले को बाद में देखें थोड़ा हो या ज्यादा हम सब ने देना चाहिए गरीब इस्लाम भाई भी ये ना समझे कि हम भाई अब बताएं हमारे जो अजीर इस्लाम भाई इनकी सैलरी हमें बढ़ानी है बिल्कुल तहदिल से हम अर्ज़ कर रहे हैं हमें इसकी सैलरीज़ बढ़ानी है कितने मशवरे हो लेकिन सैलरीज़ बढ़ाने के लिए ज़्यादा हमें डोनेशन बढ़ाना है इन शाला हमने नीयत की है अब हमारा माली ताउन करें खूब मिलजुल कर इनशाला कोशिश करेंगे यानी आप बताएं आज के दौर में पंद्रह सत्रह हज़ार रुपये में किसका गुजारा होता है बीवी बच्चों वाला अगर शख्स हो हमें अपलिकेशन आती हैं उलमा हैं मस्जिद के इमाम हैं दीन का काम करने वाले हैं और एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमारा दूध का खर्चा इतना किराए का इतना और जनाब हमारे इलाज का ये सारा कर करा के खाना पीना राशन हमारी तनख्वाह इतनी हम हर महीने कर ये ये एप्लीकेशन भेजने वाले और हमसे रबता करने वाले भी मायूस ना होंश ऐसा नहीं है कि अब हमसे कोई बात करते हैं और हम इसे इग्नोर कर लेते हैं नहीं ऐसा नहीं है इस पर इन शायद संजीदगी के साथ मशवरे किए और हम कोशिश करें तो इन शजी दीन का काम बढ़ेगा

अपने घर का अपने रिश्तेदारों का अपने दोस्तों से जगत फितरा, सदका वसूल करके पांच लाख छब्बीस हजार दावत इस्लामी को पेश करूँगा तो जिमीदारों से इनशा सवजल तीन सौ बारह मान वसूल करके दावत इस्लामी को पेश करूँगा हाई साहब की बार का मर्ज है जो घर के लिए गंदम ले रहे हैं। अपने बच्चों के लिए वो अगर एक एक दो दो मन दावत इस्लामी के लिए ले लें तो करोड़ों रुपए की ये आमदनी दावत इस्लामी को हो सकती है इसके बारे में रहनमाई फरमा दीजिए मेरी और मेरे घर वालों की ईमान की हिफाज़त की दुआ फरमा दीजिए अल्लाह हम सब का ईमान सलामत रखे और दावत इस्लामी के लिए बिल्कुल लेने में कोई आप झिझक ना करें और मांगे इन शब लोग देंगे और खुश दिली के साथ भी अल्लाह ने तो देंगे दुआएं भी देंगे लोग देंगे लोग एक मैसेज आया कि दावत इस्लामी के लिए पचास हजार जमा किए थे अब डेढ़ लाख जमा करने की नीयत करेंगे इंशाल्लाह कर रहे हैं आ, एक रुपए की भी नीयत अगली कॉल दे दे मोहतरम निगरानी शुरु की बार कहा अर्ज है की मैंने नीयत चंदा इस साल भी अपनी दावत इस्लामी को दूंगा भी और इनशाला चंदा करवाऊंगा भी मुभारे। मुभारे। मारा ये ऐसे लोगों की कसरत अगर हो जाए ना कि का चंदा देते तो है करवाते लेकिन वही बात कि अगर उनसे कहा जाए ना कि आपकी जो ताल्लुक है अगर उनसे करवाएं तो ये ये भी एक एक बहुत बड़ा अमाउंट करवा के दे सकते ताजर से मिले थे दो तीन दिन पहले उन्होंने अपनी जो भी नीयत थी वो कर ली हमने कहा इतना बड़ा काम है इतने बड़े अखराजा है कैसे होगा आपके मोबाइल में जो नंबर है अगर उनसे कोई तरकीब बने वो कल रात फैजान मदीना आकर रात के वक्त आऊंगा मेरे साथ बैठे और आई सब उन्होंने

और 25 मिनट की आपने कोई बातचीत की होगी उसने ने तकरीबन 60 70 लाख रुपए की मस्जिद बनाने की अब्दुल रब को नियत कर दी तो बाहर निकल के जब आपने उनसे बात की थी ना यार वो कौन सा कारोबार है जो 25 मिनट में आप 70 लाख रुपए कमाते हाँ। ये कैसा डील है कि खर्चा उसका होगा हाँ, इन आपने कोशिश की तो आ, उसके जरिए आपके जरिए से पैसे आएंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह आइए और कॉल दीजिए वहीदारी सदर कराची से बात कर रहा हूँ सिलसिला देख कर इन मदनी यात्रा करूँगा इन और अपने इलाके हल्कों और दीगर मसाजिद पे जो चंदे के स्टॉल्स लगाए जाते हैं उसके लिए इन फर्दन फर्दन जाकर कोशिश करेंगे और खूब बढ़ चढ़ कर इनशा दावत स्ल को चंदा देंगे भी और करेंगे भी इनशाला दुआओं में रहा था निगरानी बारगाह में अर्जे के जवजल मैं अपने दावत इस्लामी को अपने अहतियात पेश भी करूँगा पूरी फैमिली की तरफ से और इंशाल्लाह अपने जानने वालों रिश्तेदारों से भी दीगर लोगों से भी इन खूब खूब दावत इस्लामी के लिए चंदा करवाऊंगा भी इनशाला जी अगली कॉल दीजिए अलहमद ला ये वक्ता फ़वकाता आपका सिलसिला टेलीथोन का होता रहता है और हर साल अलहमदिल्ला हम भी बनाते हैं और यहाँ तक कि हमारा तो एक रुझान बन गया है फैमिली की तरह के अलहमद बच्चे बच्चे को पता है कि हमें जो है वो टेलीथोन में देना है और उसका इंतज़ार भी होता है और उसके लिए जमा भी करते हैं कि टेलीथोन आएगा और हम देंगे अलहमदल ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हम इसको खुश न खुशकस्मत समझते हैं अपने आप को आप लोगों के ज़रिए हमें ये स्व आपका ढेरों ढेर ख़जाना एक मैसर आता है और हम पेश करते हैं अल्लाह ताला हमें मरते दम तक ये पेश करने की साद नसीब फरमाता रहे इन शाला नीयत करते हैं ज़रूर इसमें भी हिस्सा मिलाएँगे अलहमदिल्ला इस बात की खुशी है कि हमारा बच्चा बच्चा इस बात का इंतज़ार रहता है कि कब टेलीथन और हम दें टेलीथोन का इंतजार तो आपको रहता है अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो अभी भी आप बदनी एतियात उम्मीदें देंगे यहाँ पर दावत इस्लामी के बैरू मुल्क के जिम्मेदारान को थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ क्योंकि आज उनको भी स्पेशली इन्वाइट किया गया है तो ये भी सिस्टम दावत इस्लामी का बहुत खूबसूरत है कि हमारे वतन में होने वाले काम हम यहाँ से चंदा जमा कर रहे होते हैं डोनेशन जमा कर रहे होते हैं यहाँ भी हमने डिवीजन किया हुआ कराची में जो मदरसे जामियतुलमदी या मसाजिद बनेगी वो कराची वे करेंगे तो लाहौर वाले लाहौर में करेंगे तो इस्लामाबाद वे इस्लामा के अतराफ वे वहाँ करेंगे बिल्कुल इसी तरह बैरू मल्क में अगर यू में

या अपने शहर में इतने अखराज की हाजत नहीं होती क्योंकि शायद एक मस्जिद होती है या दो मदरसे होते हैं एक जामतुलमदीना होता है तो हम वो चंदा कर लेते हैं लेकिन आप हमेशा पूरी दावत इस्लामी के बारे में सोचा करें ग्लोबल दावत इस्लामी के बारे में सोचा करें जब आपके इलाके में अल्लाह पाक ने लोगों को नवाजा है तो उनसे डोनेशन लें और अगर वो डोनेशन आपके डिवीजन या आपके इलाके के अखराज से ज्यादा है तो ऐसे बहुत सारे दुनिया के ममालिक हैं ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के भी एरियाज हैं जहां बड़ी गुरबत है जहाँ वो सालों कोशिश करें तो मस्जिद और मदरसा और जामत उलमदी और दीगर चीज़ें नहीं बना पाएंगे तो हमें अपनी दावत इस्लामी को मिलजुल कर आगे बढ़कर सपोर्ट करना है हमारी कोशिशों से दुनिया में कहीं भी मस्जिद बने कहीं भी कोई आलिम दीन बने

बुजुर्ग लोग थे मुसलमान थे और उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था पकाने के लिए वो ग्रोसरी नहीं जा सकते थे तो इस्लामी भाई उनके घर तक राशन पहुँचाया फिर उसके बाद एक बड़ा जब डिजास्टर को, कोविड की वजह से अमवात हुई बल्कि अल्लाह माफ़ करे अब भी हो रही हैं अल्लाह पाक वा से हमारी जान छुड़ा दे लेकिन वहाँ पर ना सिर्फ यूके में बल्कि हिंद में भी हमें इतलात आती रही और भी ममालिक में कि कोविड के मरीजों को तजहज व तकफी ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है नाजरीन वहाँ एस ओ पीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा जाता है लेकिन दावत इस्लामी को कोई अप्रूवल्स भी मिली और दावत इस्लामी के मुबलगी ने मुझे बताया जिम्मेदारान ने कि घर में से कोई नहीं आया जनाजा पढ़ने घर में से कोई नहीं आया गुसल के मौके पर मगर दावत इस्लामी वालों ने यह फरीज़ा भी सर अंजाम दिया तो ये वो काम है दावत इस्लामी के और ये वो डेडिकेशन हैं इस्लामी भाइयों की जो बढ़कर आगे करते हैं तो हमें भी दावत इस्लामी का भरपूर साथ देना चाहिए कॉल्स कुछ और ले लेते हैं मैं अपना

इस वक्त हम मुबास कीनिया में तीन दिन के मदनी काफ़िले में और अल्हम्दुलिल्लाह ला न शूरा अब्दुल हबीब भाई जो सिलसिला कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मुबास में रजब से अल्हम्दुलिल्लाह अहमदिल्ला मदनी बस्ता मदनी मदनीतिया का ये अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है तो आप दुआ भी फरमाएं अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और ख़ूब ख़ूब हम मदनी एहतियात अपनी दावत इस्लामी के दिनी कामों के लिए जमा कर सकें आमीन आमीन माशा अल्लाह और बरकत दे आपको हिम्मत दे और मजीद बढ़ चढ़ कर दावत इस्लामी के लिए चंदा भी करें डोनेशन भी करें और दावा दावत इस्लामी के बारह दीनी कामों को ज़्यादा ज़्यादा करने और उसको आगे बढ़ाने की भी कोशिश जा जिससे भी आप चंदा लेने के लिए जा रहे हैं उसे दावत इस्लामी के दीनी कामों की दावत ज़रूर दें इज्तमा की दावत दें मदनी काफिले की उनको दावत दें अ तोफ़ी दे तो अपने साथ बहत्तर नेकमाल का रिसाल जेब में ले जाएँ जिसको भी चंदे की तरगीब दिलाएँ अगर जो नीयत करे या चंदा दे या ना दे कम अज़ कम आपकी तरफ से उसके हाथ में बारह दीनी बारह नेकमाल का रिसाला उसके हाथ में चलाया जाए कोई जेब जेबी साथ का रिसाला अपने जेब में रखें छोटा सा वो उसको तोहफे में हाजिर कर दें ताकि वो उस कम अज कम ये कि उसकी तरफ से नीयत मिले या कुछ मिले या ना मिले आपकी तरफ़ से उसको कम अज़ कम दीन का एक अच्छा सा खूबसूरत तोहफा मिलना चाहिए तो अपने ये बहत्तर नेकमाल का रिसाला इसे भी घर घर पहुंचाने की कोशिश करें इनसे कोई निकी की दावत के काम की नीयत ले लें तो मदरसम बालिगान की तरगीब दिला दें यानी चंदे की बात करने के साथ साथ आपने दावत इस्लामी के दी काम करने इसमें शामिल होने और दिन सीखने सिखाने के तलुक़ से भी बात करनी होती है ये भी अपने पेश नज़र रखे हमारा असल काम तो यह दीन की खिदमत ही है माशा मकसद हमारा तो दीन की खिदमत अल्लाह से ले लें मगर चंदा चूँकि हमारी ज़रूरत है और साल में चंद एक दफ़ा ये करना ही पड़ता है और आप भी अल्लाह का शुक्र देते भी हैं तो इसको भी अपने हमें पेशे नज़र रख कर ही ये सारे काम आगे करने हैं बल्कि मैं तो ये भी दावत दूंगा हमारे जिम्मेदारान को कि शवालमकरम में जो जामत और मदीना के दाखिले होते हैं ये रमज़ान शरीफ में शुरू हो जाते हैं तो आप अपने अपने अल्लाह के हलकों से इस्लामी भाइयों को तरकीब दिलाएँ कि वो आलिम बने वो दर से निज़ामी करें वालिद को तरकीब दिलाएँ कि उनके बच्चे दर से निज़ामी करें माँ को चाहिए कि बेटे को दर से निज़ामी कराए जितने आलिम बढ़ेंगे दावत इस्लामी के जामतुलमदीना जितने तरक्की करेंगे इन शाह आपको उसी कदर माशरे में बेहतरी नज़र आएगी कि किलमा वो भी दावत इस्लामी के तहत बनने वाले अलहमदुल्ल उनका एक इनपुट ही और उनका आउटपुट ही कुछ अलग है इनकी अपनी इफादियत है अल्लाह का शुक्र है तो इसको भी आपने फोकस करना है और जामितुल मदीना के दाखले भी हमने पहले से ज़्यादा बढ़ा कर देने हैं इन रही बात जामितुल मदीना बनेंगे कैसे तो ये साढ़े आठ सौ नौ सौ के आस जो बन गए ये भी अल्लाह की रहमत से ही हुए हैं जो काम बयान किया जा रहा है जो बताया जा रहा है ये महज़ अल्लाह की रहमत से होता है इसमें होने वाली हर खूबी अल्लाह की रहमत से है और हर खराबी का जिम्मेदार हम हैं ये बात याद रखिएगा जो कमज़ोरी है जो खराबी है जो अच्छाई नहीं हो सकी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी कोताही है सिर्फ़ हमारी कोताही और जो इसमें ख़ूबी है अच्छाई है भलाई है बेहतरी है फ़ायदा है वो सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रहमत ही से है उसके करम ही से उसके महबूब करीम का सदक़ा है जितनी दावत इस्लामी ज़्यादा बढ़ेगी इश्क रसूल में मज़ीद इजाफा होगा आशिका ने रसूल में मज़दा इजाफा होगा आशिका ने गौ अज़म में इजाफ़ा होगा फिर गली गली नारा लगेगा हर साहबी नबी जन्नती, जन्नती जन्नती हमारे अकायद हमारे नजरियात की का तहफुज किस कदर इसमें छुपा हुआ है Allah. इसको समझिए हमारे अकायद का हमारे नजरियात का हमारे थाट्स का किस कदर इस पर तहफ़ छुपा हुआ है किस कदर अम्बिया कराम साहबा कराम ओलिया कराम की मोहब्बतें दावत इस्लामी के दीनी कामों में छुपी हुई है किस तरह हमारे नस्लों का तहफुज दावत इस्लामी के दीनी पैगाम में मौजूद है ये किसी से ढकी चुपी बात नहीं है लिहाजा बिलाझिझक आप आएँ इस्लामी बहने भी इस्लामी भाई भी अगर इस्लामी बहनें दीन का काम करना चाहती हैं घर के इस्लामी भाइयों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करें उनकी मदद करें जो तो इस्लामी भाई दीन का काम करना चाहे दाऊद इस्लामी खिदमत करना चाहते हैं घर की इस्लामी बहनों को चाहे कि इनको सपोर्ट करें इनके साथ ताउन करें और इसमें जो कुछ दिक्कत आती है इस्लामी बहनें कुछ काम करती हैं तो घर में इस्लामी भाइयों को कुछ दिक्कत आती है इस्लामी भाई अगर कुछ दीन के लिए खिदमत करते हैं तो इस्लामी बहनों को घर की औरतों को शायद कुछ दिक्कत आएगी आप इस दिक्कत को इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें इस पर सबर करें और अल्लाह की रिजा के लिए करें तो इनशाला आपको भी इसका स्वाब मिलेगा ना वाह जी वाह अल्लाह वा अल्लाह क्या हैं जी मेरे पास भी एक मैसेज है हाजी फारूक गिलानी इन्होंने सेंड किया है जी आ, इन्होंने कहा कि किसी जमींदार का मैसेज जमींददारी चालीस लाख का कर्ज था उशर नहीं देते थे उशर देना शुरू किया है तो कर्ज भी उतर गया उतरेगा उतरेगा हाँ मुझे एक बात याद आ रही है रिवायत याद आ रही है

रब की अताप रोक भी नहीं है यारुक हिसाब किसे चाहता है बेहिसाब देता है तो बंदा जब उसकी रिजा के लिए देगा तो फिर वो मालिक अपनी शान के मुताबिक तो मेरे दिए हुए रिस्क में से क्या हाँ, हाँ, हाँ। मेरे दिए हुए दिए हुए रिस्क में से कुछ मीन जी मेरे दिए हुए रिस्क में से कुछ मेरी राह में खर्च कर, वो, वो कर। आपसे दो सवाल करना चाहता हूँ कौन बड़ा सखी है एक इस्लामी बहन का मैसेज है एक इस्लामी भाई का मैसेज है कि मैं घर में कपड़े सिलाई करती हूँ तीन सौ रुपये दावत इस्लामी को दूँ अच्छा एक इस्लामी भाई कहते हैं पच्चीस हज़ार तनख्वाह है पहले पाँच सौ रुपये दो परसेंट देता था आज ये सिलसिला देखा तो महीने के आठ सौ रुपये दूंगा पच्चीस हज़ार कमाने वाला

उसका उससे बढ़कर कबूल हो जाए असल में डिपेंड नीयत पर कर रहा वाहा। वाहा। और उस माल की पाकिजगी पर बड़ा इन माल की पाकिजगी नीयत में हुबे जा से बचना रियाकारी से बचना ये।, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं हकीकत है। अब हम तो नहीं कहते कि हमने क्या करे बस देने वाले का भी कबूल करे और कहने वाले का भी कबूल करे जो इस काम के लिए हिल जुल करते हैं अल्लाह उनका भी कबूल करे आ, हकीकत ये कि जो देना चाहते हैं नहीं दे पाते अल्लाह उनकी कोड़न भी कबूल करे अल्लाह उनका दर्द भी कबूल करे आमीन। और उनकी आहों के सदके में देने वालों को कबूल यानी जो नहीं दे सक रहे ना जो कह रहे हैं कि यार क्या दे तो होता है ऐसा वो सिद्दीक अकबर उद्य वाला तो एक तवक्ल और एक मकाम है कि बस घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया हूँ सारा उठाकर आए खुदा में मुस्तफ़ा करीम के कदमों में ढेर कर दिया तो खैर वो इनका एक अपना मक्का मरतबा लेकिन ऐसे कई होते हैं जो बेचारे मकरूज़ होते हैं दिल कर रहा होता है ऐसे प्रोग्राम देखने के बाद कि यार कुछ दे दें मैं तो उस दावत इस्लामी से वाबस्ता हूँ जिसकी इस्लामी बहनें अपनी बालियाँ दे देती हैं अपनी अंगूठियाँ दे देती दे दे हैं अपने मतलब के इस्लामी भाई जो रक्शे चलाते हैं अपने रक्शों के पैसे दे देते दे दे हैं गरीब से गरीब अमीर से अमीर क्या इस्लामी भाई इस्लामी बहनें बच्चे जो थोड़ा बहुत शौर रखते हैं वो माँ बाप से कहते हैं कि हमारे हमारे मतलब बच्चों ने जो खर्ची जमा की हुई होती है उनको भी अजीब मोटिवेशन मिल जाती है तरक्की मिल जाती है कि हम अपना वो तोड़ देंगे तो कुछ तोड़ देंगे जो पैसे नहीं देंगे लेकिन ना के पैसे लेने नहीं है ना बालिक को भी इस बात की इजाजत नहीं है लेकिन वो इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं तो क्या पता यार कोई देना चाह रहा हो और देने जैसे उसकी पोजिशन ना हो और उसके आंख से एक आंसू निकल है काश के मेरे पास होता काश दो मिया बीवी या जो घर के बच्चे देख रहे काश बेटा हमारे पास भी कोई ऐसा होता तो हम भी कुछ कर देते लेकिन अल्लाह इनका भला करे कोशिश करे आपकी आंखों से बहता हुआ एक आंसू का कतला आपकी दर्द आपकी कुरन आपकी आपकी सिस्की, क्या पता है, इन है देने वाले बोलने वाले सुनने वाले सुनाने वा, 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 वालों वा, वा, के बेरे पार करा वा, दे कराते और तरह और आपने दिया कुछ नहीं मगर आपके इस हाल से जो कुछ मिलेगा वो वो बयान से बाहर है तो कोई भी दावत इस्लामी वाला दे सकता है नहीं दे सकता ले सकता है नहीं ले सकता बोल सकता है नहीं बोल सकता मायूस ना हो कि दावत इस्लामी पर अल्लाह उसके रसूल का करम है और अल्लाह की रहमत शामिल लहर तो करम रहेगा सब भला सबकी सब खैर सबका भला सबकी खैर सब मतलब बस आप दावत इस्लामी से वाबस्ता रहे सदका देखे मुस्तफ़ा करीम का करम देखिए सल अल्लाह मुसलमान के आगे मुस्कुराना भी सदका नेकी की दावत देना भी सदका अच्छी बात करना भी सदका <स्थाँगा> यानी जो पैसे से सदका नहीं कर सकता वो अपने किरदार से सदका कर ले अल्लाह क्या खूबसूरत है सदका ही करना है ना किरदार से सदका कर ले नेकी की दावत से सदका कर दे मुसलमान के आगे मुस्कुरा कर सदका कर दे तो सदका ही देना है ना अल्लाह की राह में कुछ देना ही है ना तो अपना वक्त ही अल्लाह की राह में दे दे माशा बाकी ये ये जो काम हम जो तकसीम करते हैं और इसमें वही जिम्मेदार आगे बढ़कर अपना वक्त ही देते हैं ना तो अलहद ला इसके फ़वाद मिलते हैं हाजी वक़ार जिम्मेदारान के साथ जमा है अभी उशर की बात हुई तो शरीफ इस्लाम अत्तारी गुजर खान इन्होंने भी ज़िम्मेदार है हमारे उशर के लिए बड़ा अच्छा इन्होंने भी हदफ लिया इसी तरह बेली खान काबीना रावल पिंडी इस्लामा जोन इन्होंने भी लिया फिर मुख्तलि रावत रवात कहोटा काबीना कमाल यह है कि हमारे पाकिस्तान के छ रीजन है और छे के छ रीजन में कह सकते हैं कि कांटे का मुकाबला है ये जो मुकाबले है ना ये भी दीन के मुकाबले ये तो साहबा की सुन्नत है दीन के लिए मुकाबला करना

छह हमारे रिज़ा निगरान आज ही शायद बोलेंगे भाई पाकिस्तान का मैं बताऊंगा बैरून मुल्क अब्दुल अबीब से पूछो बिलाल भाई से पूछो ठीक है भाई हमारे जोन निगरान है तरफ इनके पास है तो ये है तो इसी तरह मदीना ख़ुद को खुद किफालत में बोला कि मैं तो मदरसतमदीना मदीना के भी एक तरह, तरह से मुकाबला है कि कौन सबसे पहले ख़ुद को ख़ुद कफील कर लेता है तो ये सब हैं इसी तरह दीगर शोबे हैं मदीना वालों को खुद कफील होना है इसी तरह हमने ये शोबों के जिम्मेदारान को भी हदफ़ दिया हुआ है कि आपके शोबे का खर्चा कितना ये कमाल है कि इस्लामी बहनों के सालाना जितने खर्चे बहनों से बरकरी करती हैं। है आप क्या क्या है अगर इस्लामी हमारे इस्लामी बहनों का खर्चा कितना तो, तो कुछ नहीं लेकिन इस्लामी बहनों को अल्लाह ने यह जज्बा दिया है कि ये पूरी तहरीक के लिए चंदा करती है और बढ़ चर्क करती हैं और इस्लामी भाइयों को जमा करवा देती हैं जो हमारा एक सिस्टम है जमा करवा जिम्मेदारान के मैसेज भी आ रहे हैं नाजरीन के मैसेज भी आ रहे हैं एक नाजरी एक मैसेज किया कि इस साल की जक़ात में दे चुका था सिलसिला देखा मजीद एक लाख देने की नियत करता हूँ अल्लाह आपको उसकी जजा आता फॉर कॉल्स कॉल दीजिएगा निगरान शुरुरा ऐसी अर्ज है की अलहमदिल्ला हाथ अभी एक सौ छब्बीस रुपये अलग कर लिए हैं इंशाल्लाह दावत इस्लामी को ये पेश करूंगा या तो या अगर आप ये तरगीब दिला दें जितने लोग अभी मौजूद हैं तमाम के तमाम अभी हाथों तो हाथ अपने अपनी जेबों से दावत इस्लामी के लिए अतियात अलग कर लें और वो दावत इस्लामी को दे तो इंशाल्लाह अच्छी खासी रकम दावत इस्लामी के लिए अल्लाह ने तो जमा हो जाएगी मेरे जेब में जितने पाकिस्तानी रूपये रखे हुए हैं क्या बात है वो सारे देखो आपको एक सौ छब्बीस देने के बाद ऐसा तो जितने थे सारे दे देता बल्कि हकीकत ये कि कुछ वो जो भी मैं गया था ये भी मैंने निकाल दिए तो क्या थे क्या बात आगे पीछे भी कुछ रखे हुए थे ये भी मैंने वापसी का किराया भी नहीं छोड़ना भाई क्या बात क्या बात देखे चले

और ये सब के सब मैं इंशाल्लाह दावत इस्लाम में दे दूंगा ठीक है मैं मैं आपको आज ही इनको दूंगा मैं आपको, आपको गिनती करके कर अच्छा ठीक है इंशाल्लाह ऐसा जजाक इंशाल्लाह क्या बात है मदीरे की चले जनाब एक और कॉल दें मोहम्मद गुल्फाम से अर्ज कर रहा हूँ अभी सिलसिला जो चल रहा, इसके रहा है इसके अंदर मदनी इत्याद का है अलहमद लाजब हम बलोचि ला काबिना से एक हजार मंद ग और बारह लाख इनशाजब रमजान में दवा इस्लामी के लिए जमा करवाएंगे इन शहर में अपने वाल साहब की तरफ से इनशाला गोल्ड की एक रिंग अपने दावत इस्लामी के लिए इस रमजान में इंशाला पेश करूँगा माशा माशा जी अगली कॉल हाजी इमरान भाई हाजी अब्दुल हबीब भाई मैं हैदराबाद से अर्ज कर रहा हूँ इनशा अपने घर की मुकम्मल जक़ात इन दावत इस्लामी को पेश करूंगा और अपनी इनफरादी कोशिश से इनशा दस लाख से दावत इस्लामी के लिए जमा करने की भी कोशिश करूंगा अपने दोस्त अहबाब से रबते करके अपने अजीज से करके आप मेरे लिए मेरे घर वालों के लिए खैर की दुआ भी फरमा दीजिए ये आपको दावत इस्लामी के लिए माशाल्लाह ये मैंने रकम दी है जो माशा चले जरा भी पैसे आ गए

मोहम्मद अरशद साहिरी अहमदपुर शरीक से आज कर रहा हूँ अलहमद ला मे सिलसिला शुरू से देख रहा हूँ और मैं नियत करता हूँ कि इन शल पाँच सौ मन गंदम वसूल करूंगा मैं खुद भी किसान हूँ अपना भी खुदगा और मजीद पाँच सौ मन वसूल करूंगा बाकी दिनों मेरी तबियत खराब है और मदनी ऐतियात भी जमा करेंगे अल्लाह आपको सेहत और तंदरुस्ती दे बहुत बहुत शुक्रिया सदक़े के जरिए अपने मरीजों का इलाज करो क्या पाक में बिल्कुल सदक़े के जरिए भी मर्ज का इलाज होता है एक डॉक्टर को कैंसर हो गया इलाज हो नहीं पा रहा था उसका उसको यह हदीस याद आ गई उसने सदके के जरिए अपना इलाज किया चंद दिनों के बाद रिपोर्ट कराई उसका कैंसर खत्म हो चुका है क्या बात है की तो का पैनल जो था ना उसने खुद डॉक्टर से पूछा कि यू आर ऑल्सो डॉक्टर तुम भी डॉक्टर हो तुम्हें तुम तुम बताओ ये कैसे हो गया तो उसने कहा तुम अपना काम कर रहे थे मैं अपना काम कर रहा था क्या बात तुम पर जो इल्म था तो उस पर अमल कर रहे थे मेरे पास एक इल्म ऐसा था मैं उस पर अमल कर रहा था मैंने सदका दे के लिए मैंने एक जगह बनाई वहाँ मैंने सदका देना शुरू किया अल्लाह ताला ने मेरे सदक़े की बरकत से मेरी इस बीमारी को दूर कर दिया सदक़े के जरिए अपना इलाज करें यह हदीस पर मौजूद है अपने मरीजों का इलाज सदक़े के जरिए करो मदीने पाक से मैसेज आया कुछ इस्लाइबे जमा हैं उन्होंने कहा हमने अपनी जेब खाली कर दी है और एक इस्लाइब ने नीयत की है कि मैं अपनी पूरे महीने की तनख्वाह जो है इस्लामी को पेश करूं। वाँ क्या वाँ बात वाँ। है सुलहान अल्लाह तो जनाब बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का आपके मैसेजेस का ना सारी कॉल्स ले सके ना सारे मैसेजेस ले सके लेकिन आपकी मैसेज हम आप पढ़ सके या ना पढ़ सके आपकी कॉल या चला सके या ना चला सके जो नीयत की है वो ज़रूर देने हैं बढ़ के देने हैं और करने भी हैं अल्लाह करीम हम सबको आज की इस, इस प्रोग्राम की बरकत अताफरम और अपनी दावत इस्लामी के लिए दिलो जान से कोशिश करने की तोफ़ी केताफर मुझे बताया गया हमारे देखें डेडिकेशन देखें हमारे पीछे पी सी आर में जहाँ से प्रोग्राम हो रहा है वहाँ इस्लाम भाई ने अपनी जेबों से पैसे जमा किए और ये हमारे इस्लाम भाई लेकर आए माशा क्या बात है अच्छा अच्छा जरा सवाब के लिए भी और यार के पीसीआर की सौ सौ पचास दस दस रुपए भी निकाल के स्लैब इसलिए दे रहे हैं कि यार हमारा भी कुछ हिस्सा हो जाए चल लिखा लाए बारिश का पहला कोई कतरा होता है क्या बात एक सौ छब्बीस रुपए जो इन्होंने दिए ना भाई ये एक सौ छब्बीस रुपए ना हमारे हमारे जेब खाली करवा दी है। क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह करेगा क्या पता कितने लाख और कितने करोड़ रुपए एक सौ छब्बीस करोड़ अरबों रुपए के ऐलान इन... ने जेब खाली नहीं हमारी जेब खाली नहीं कराई हमारी जेब खाली एक सौ छब्बीस रूपये नहीं कराई है क्या बात माशा कैमरा मैन भी माशा जो भी दे रहे जो, जो भी, भी जाकर जक़ात दे रहे हैं तो बता कर दे जेब खाली करने वाले में से अगर कोई जक़ात दे रहा है तो पहले बता कर दे क्योंकि जकत इसके मुस्तक को दी जाएगी और फिर वहां से शर्िला होता है अभी ये तो है सब हम तो एंड कर रहे हैं ये बल्कि तहरीक शुरू हुई है अभी तो काम सब इसके लिए बैठे नहीं थे ऐसी बात हम ये जिस तो काम के लिए वो जो बेसिक थी वो दावत इस्लामी के ब्रिफीनी कामों का तारुफ जी ब्रीफिंग इसके काम इसके मोटिवेशन और दावत इस्लामी के लिए चंदा करने के ताल्लुक से अगर कहीं खुदा ना खास्तर सुस्ती थी तो उसको चुस्ती में तब्दील किया जाए ये सब इसी एक था और बैठे बैठा ये एक सौ छब्बीस वाली कोला गई एक सौ छब्बीस रुपये वाली और उसने एक समझे कि एक वो मॉड ऑफ प्रोग्राम जो था ना चेंज कर दिया वो चेंज कर दिया और अभी दो पाँच मिनट बैठ जाए हाँ तो मेरा खाले के मस्जिद जिनकी अभी जेबें खाली नहीं हुई हो सकता है कुछ घरों में जा रहे हो कुछ दराजों में जा रहे हो हाँ। कुछ यहाँ जा रहे हो कुछ वहाँ जा रहे हो युगेंडा से मैसेज आया कि बिलाली अफ्रीकन इस्लाम में मौजूद है उन्होंने भी अपनी जेबें खाली कर दी नहीं मुख्तल जगहों पे कोर्सेज के इस्ला में बैठे हालांकि बेचारे वो तो खाना पीना सब कुछ है लेकिन जेब में जो है वो भी दे आजी फारूक के साथ क्या बात ये ना किसी का खजूर जो है किसी के बाग से ज्यादा आगे बढ़ जाता है मुझे एक ने फिकर भेजा भाई तीन हमारे निगरानी काबीन है तो मैं ये सोचता कि सिक्का होगा ना सिक्का भी अल्लाह जो भी था जेब में ठीक है अल्लाह आप सबको सलामत रखे मैं अपने तमाम निगरानों का जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ की मजलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने तैयारियाँ की और आप इस्लाम भाइयों को लाए बैठे कोशिशें की और अब ये कि चूंकि क्लोजिंग है एंड है आपने पहले से बढ़ डबल ट्रिपल जितना ज़्यादा करेंगे आपका इन शाह तल जितना भी चंदा आएगा दावत इस्लामी के लिए दावत इस्लामी के वो काम जो हो रहे हैं वो काम जो करने हैं वो काम जो पेंडिंग है इन सब को इन पूरा करने के लिए हमें एक खतीर अरबों ने खरबों रुपयों की ज़रूरत है जी हाँ अरबों ने खरबों रुपयों की ज़रूरत है और उशर हमारी ये ज़रूरत पूरी कर सकता है मैं आपको बताऊँ सिर्फ़ उशर हमारी ज़रूरत पूरी किसी कर देगा खरबों रुपये को शर्स पाकिस्तान में है तो ये है अलबत् ज़ाहिर के दावत इस्लामी को उसका एक अपना हिस्सा मिलता है बोसों मुस्तक और ज़रूरतमंद होते हैं जिन्हें देने होते होंगे तो आप करें जो दावत इस्लामी के लिए चंदा कर रहे हैं वो पिछले से बढ़ा दें जो नहीं कर रहे वो कर लें जिनों जिनसे लिया था उनसे डबल कर लें जिन्होंने नहीं दिया था उनसे लेना शुरू कर दें और दावत इस्लामी के चंदों के फितरों के जो बस्ते स्टॉल्स हैं उसको डबल कर दें यह याद रखिए इन शाह तल आपके मदनी अतियात डोनेशन चंदे की जो फिगर है वो रब ने चाहा तो बहुत ऊपर चला जाएगा लेकिन रसीद दें ज़कात ज़कात के उस पर लें और इसके अलावा जहाँ जहाँ जमा कराना है फ़ौर जमा कराएँ अपने पास अपने घर में कैश ना रखें ये तमाम एहतियाती तदाबीर इसी तरह चंदे के बारे में सवाल जवाब किताब अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लें चंदे के बारे में जो एहतियात रिसाला है उसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लें उसके लिए जिम्मेदारान मोटिवेट करें जो चंदा कर रहा है उसके लिए चंदे के अहकाम सीखना चंदे की ज़रूरी मसायल को समझना बहुत ज़रूरी है ऐसा ना हो कि नेक का काम करने जाएँ खुदा न खास्ता कम इलमी की वजह से या ला इलमी की वजह से हम गुनाह में मुबला हो जाएँ रोज़े रखवाने हैं जो रोज़े नहीं रखते इनको रोज़े रखवाएँ माह रमज़ान में नए नए नमाज़ी आते हैं मसाजिद आबाद होती हैं कोविड की वजह से भी और परेशानी है अल्लाह ताला इसे नजात दे हम सबको तो आपने खूब निकी की दावत आम करनी है दो मदरी मुजाकरे होंगे माह रमज़ान में एक असर की नमाज के बाद होगा कराची के वक्त के मुताबिक एक तरावी के बाद होगा इन मेरे सुनत के दोनों मदनी मुजाकरों में और फिर बिलखसूस इफ्तार के वक्त जो दुआ होती है कराची के वक्त के मुताबिक इसमें भी शिरकत करें यहाँ से कबूलीत का वक्त होता है और अल्लाह के नेक बंदे दुआ कर रहे होते हैं आमीन कह रहे होते हैं हम दुनिया में कहीं भी होंगे इन शरा पार, पार होगा कुरान की तरफ नेक अमाल की तरफ इबादत की तरफ परहेजगारी की तरफ़ आएँ सिर्फ़ मतनी चैनल को अपने यहाँ इस्टे करें इनको रोक के रखें और गुनाहों से चाहे वीडियो के ज़रिए हो ऑडियो के जरिए हो मुलाक़ातों के ज़रिए हो जबान की हिफाजत का भी ख्याल रखें दावत इस्लामी का जो मकसद है मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की असलाह की कोशिश करनी है अपनी असलाह के लिए नेक अमाल का जायजा लें सारी दुनिया के लोगों की असलाह की कोशिश के लिए मदनी काफलों में सफ़र करें करवाएँ यह दावत इस्लामी के बुनियादी दीनी काम है कौरवर्क है मसाजिद की आबादकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ इन तमाम तरों दीगर दावत इस्लामी के दिन कामों को चलाने के लिए इन्हें आगे बढ़ाने के लिए डोनेशन की ज़रूरत है खूबसूरत कार हो इंजन अच्छा है सब कुछ है ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं पैसेंजर भी बहुत अच्छे हैं मगर कार उस वक्त चलेगी बस उस वक्त चलेगी उसमें पेट्रोल होगा दावत इस्लामी का चंदा डोनेशन ये इसके लिए पेट्रोल का, का काम करता है डीजल का, का काम करता है आपने उसके लिए कोशिश करनी है अल्लाह आपको और हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए